असल खुवान अजरा वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल माय नेम इज़ मुनीर अहमद आज की मेरी इस नशत के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाली है जनाब कैसर अहमद राजा साहब मेरे साथ हैं मसबी स्कॉलर हैं बिजनेसमैन भी हैं इनसे चटपटी बातें करेंगे कुछ मजहबी डिस्कशन होगी और कुछ इनसे बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन होगी आप में से बहुत सारे लोग इनको जो है महबी हवाले से जानते हैं काफ़ी तनकीद का निशाना भी बने रहते हैं कभी खुद बन जाते हैं कभी लोग बना देते हैं लेकिन आज हम आपको थोड़ी सी इनकी बिजनेस वाली साइड भी बताएंगे कि जो ये मजहबी बातें करते हैं उसके साथ साथ एक माशा दुनियावी तरीके से भी बड़ा अच्छा बिजनेस लेके चल रहे हैं अलम्कुम सर कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं जी, सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए एक मज़ेदार से डिस्कशन करनी है आपसे और कोशिश करेंगे कुछ चटपटे आपसे सवाल पूछें कुछ जो हमारी सोसाइटी में मित्स भी हैं उन भी बात करेंगे और खास तौर पर जो आपका बिजनेस है मैं बड़ा इंप्रेस हुआ आप अपने आप को बिजनेस में आ, स्टीव जॉब्स है, है, <laughs> इस वजह से क्योंकि आप मल्टीपल बिजनेसेस चला रहे हैं और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें आपकी पर्सनली इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट uh, right? स्टिल मजहबी स्कॉलर वो है कि जिसने फॉर एग्जांपल दरसे निज़ामी किया है इज्जा किया है द पॉइंट फॉर मेकिंग इज़ कि उन्होंने ज़िंदगी के सिग्निफिकेंट साल तो जो वो खेल तमाशे में लगा सकते थे उन्होंने डेडिकेट किए हैं टू रिलीजन दैर इज़ वर ए स्कॉलर इज़ मेरी ना बैकग्राउंड ग्राउंड मदरसे का है मैं एक दिन भी मदरसे में नहीं पढ़ा ना ही मैं किसी कोई बहुत बड़े स्कॉलर के पास मैंने फॉर्मल रिलीज एजुकेशन हासिल की है मैं एक इंसान हूँ जो जिम्मेदारी समझता है कि जो हमारे माशरे में इनक्रिजन्स हैं वो एथीज़म की हों या सोशलिज्म की हों या लिबरलिज्म की हों सेक्र की कोई सूरत हो मैं उस फ्रंट के सामने एक लॉजिकल डिफेंस क्रिएट करूँ आई एम वेरी प्राउड टू बी ए मुस्लिम मेरी जो भी बात होगी वो मेरे रिलीजन से इंस्पायर होगी आपसे पहलेटर इनियल लाइफ कहाँ पैदा हुआ एजुकेशन वगैरह कहाँ पे हासिल बंजारे का जिप्सी mm -hmm. मैं वही हूँ लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हूँ <laughs> ले। मेरी पैदा गुजर खान मेरी तहसील है पोटवार में नॉर्थ पंजाब लेकिन ज़िंदगी की जो मेरी बिल्कुल जो इनिशियल लेवल की एजुकेशन थी वो दुबई में हुई थी ये अच्छा। जो आजकल दुबई देख रहे हैं उस वक्त ये दुबई नहीं था वो सारा बन रहा रेगिस्तान वाला 80s में किस, किस साल में रहे ये 80s की बात 80s में हाँ उस वक्त तो मेरा इकोनॉमी एक, भी वहाँ पे इंडियन थी ना और सॉरी करंसी इंडियन चलती थी ना वहाँ पे नहीं हमारा जब मैं था तो वहाँ पे तो उस वक्त थी लेकिन मेरी यादें जो दुबई के साथ हैं वो तो सारी ग्रे हैं अब मैं दुबई में हमारा वो बिजनेस है आना जाना लगा रहता है तो आई कंपेयर दिस दुबई में था वो जो पुराना दुबई है मुझे उसमें कलर नज़र नहीं आता एंड इट मेक्स मी थिंक समटाइम्स यू नो तो देन आई रियलाइज के उस जमाने में सारा ग्रे ही था यानी कि सीमेंट होता था ग्रे रेत होती थी ग्रे सारा तो मैं वो ज़रा बिल्ड होता देख रहा था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती थी तो देट्स इट्स हैवीली ग्रे सर ऑफ कलर रीडिंग जो है मेरी यादों की

तो खैर फिर नदरलैंड में मेरी फैमिली काफ़ी अर्से से, हमारी पठवार के लोग यानी कि बाराना इलाका है ना तो हम ज़मीनों पर डिपेंड नहीं करते हम हमेशा जॉब्स की तरफ ही जाते हैं सही बैरून मुल्क होगी वो आर्मी में होगी जहाँ पर भी हो गई तो फिर वो चूँकि नदरलैंड में थे मैं भी वहाँ पर चला गया फिर उसके बाद मेरे वाला साहब बड़े विजनरी आदमी हैं उन्होंने हमारे पाकिस्तान में भेज दिया बाद में कि पाकिस्तान का कल्चर सीखो दैट वाज द बेस्ट टाइम जो मैंने पाकिस्तान में गुजारा जिसमें बसों के शीशे तोड़ने फसलें काटनी जानवरों का दूध धोना प्योर लड़कपन तक मैं में। we और वहां से बस कुछ ऐसा नसीब था एट से लेकर दो हजार अठारह तक आ, ये बीस साल के लगभग बनते हैं मेरा पाकिस्तान आने सिर्फ तीन दफा हुआ अच्छा उसके बाद तो फिर लाइन लग गई दो हजार इक्कीस में पाकिस्तान में, में मैं शिफ्ट हो गया एंड अगेन अपॉइंट फॉर माई सेकुल्स

पार्टी हो या दूसरी हो दोनों में नहीं है ना टॉलरेंस तो हमारे सोसाइटी में सिखा ही नहीं हाउ डू किसी ने तो पहल करनी है सही है। तो तो मैं तो मेरा और मेरे हम ख्याल लोग यही कहते हैं कि भाई आइए बात करते हैं दूसरे से है, think, sure, लेकिन, uh, जिस लेवल की गाली गलोच और uh, you know, it's, it's मेरा ख्याल इसलिए था कि इस तबके के साथ मेरा फिक्री इख्तलाफ वहाँ रहा है जहाँ से हमारे लिबरल्स की अक़ल इम्पोर्ट होती है ये इम्पोर्ट करते हैं ठीक है तो वहाँ पे हम खुल के हर टॉपिक पे बात कर सकते थे कि वाई लिबरलिज्म इज रॉन्ग सेकुलरिज्म में क्या गलती है और बड़े अच्छे तरीके से बड़े पैमाने से मेरे टीचर्स में यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ता भी रहा पढ़ाता भी रहा मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरे टीचर्स के साथ बड़े अच्छे लेवल पर सारी डिस्कशन होती रही पर इन पाकिस्तान अपेरेंटली इट्स कि नहीं अगर आप सेकुलर नहीं हैं तो आप वैशी हैं आप दरिंदे हैं जाहिल हैं रिक्रसिफ हैं पत्थर के ज़माने के लेकिन अभी देखें ये सारी चीज़ें आप बता भी रहे हैं कि इस टाइप के आपको माहौल या नजर भी आ रहा है उसके बावजूद यू नो बैक टू पाकिस्तान शुड आई नॉट लेकिन मैं ठीक है होना चाहिए लेकिन क्यों जब यहाँ पे सारे जाने के लिए तैयार है मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं पाकिस्तान आया था इसलिए कि मैंने कल्चर में ये प्रॉब्लम्स देखे और मैंने कहा कि चलो शुक्र <laughs> है ये मुझे आने के बाद पता चला अच्छा ये मेरे लिए एक रिवर्स कल्चर एक एक, एक, एक शौक मैं तो नाइनटी एट वाला पाकिस्तान से छोड़ के गया था तो वापस आके देखा कि इतना कुछ यहाँ पे इनक्रेज हो चुकी हैं मेरे पाकिस्तान आने का जो मकसद था वो एक प्योर बिजनेस डिसीजन था मुझे पाकिस्तान में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बेहतर नजर आती हैं एन आई स्टल बिलीव दैट इज़ द केस क्योंकि वेस्ट की मार्केट सेचूरेट हो चुकी है ठीक है और जो सैचरेट मार्केट होती है उसमें नई चीज़ों की गुंजाइश थोड़ी मुश्किल हो जाती है।, है पाकिस्तान में चूँकि एक इमरजिंग मार्केट है और इसमें सोशल मोबिलिटी विद इन दर्पोर बहुत ज्यादा है मैं आपकी इस बात से हंड्रेड परसेंट मुतफिक हूँ हमें क्यों नजर आता है सर यहाँ बैठा हुआ बच्चा क्यों कहता है, कुछ है? नहीं, मेरे आते। sure. बच्चा काम ही नहीं करना चाहता और बच्चा कहता है कि उसको बैठे कुछ मिल भी जाए थिंकेशन क्योंकि जब आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आप आउटसाइड द बॉक्स आप वहाँ से उसको देख रहे होते हैं वर हम जब पाकिस्तान के अंदर ग्रो करते हैं और एक बड़े फर्स्टेड माहौल में ग्रो करते हैं जहाँ पे बचपन से हमारी साइकिल ये होती है कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं होना आपने ये प्रज्यूम पहले किया वो होता है फिर जब आपको दो दफा चार दफ़ा छः दफ़ा नाकामी होती है तो वो चीज़ आपको एक एविडेंस के तौर पे सामने नजर आना शुरू हो जाए और साइज उसका बढ़ जाता है सही मैंने भी मैं भी यूके में तीन तीन चार चार महीने अनएम्प्लॉयड रहा हूं कभी मायूसी नहीं हुई जॉब मिल गई इवेंचुअली लेकिन वो मायूसी इसलिए नहीं हुई कि ये कभी अपब्रिंगिंग का हिस्सा नहीं है वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं तो पाकिस्तान में आप दो दफा जॉब में अगर नाकाम होते हैं तो वो जितने आपने सुना हुआ होता है वाले है ना बोल सकते तो हैं जॉब ना हो तो गवर्नमेंट पालती है यूजुअली यही ताबुर रखा जौ... जाता ना यूरोप वगैरह में और यही है सब कुछ नहीं है तो वो देंगे आपको मैं उन बच्चों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि वहां पे जो लिविंग एक्सपेंस है वो ऑन एवरेज एक आदमी का जो बड़ी बेसिक जिंदगी गुजार रहा है उसको भी आठ नौ सौ पाउंड महीने के चाहिए और चाहिए। मुझे पता है कि यूके वाले मुझे बड़ा बुरा भुला कहेंगे कहेंगे कि अब आके देखो तुम्हें पता चलेगा पर लेट मी मेक इट वेरी इजी रे कि सात आठ सौ पाउंड आपको महीने के चाहिए बिल्कुल बेसिक जिंदगी गुजारने के लिए गवर्नमेंट आपको उस जमाने में देती दे थी सेवेंटी थ्री पाउंड तो ये नहीं है कि वहां पर गवर्नमेंट पालती है ये मिथ की बातें होती हैं ठीक है अगर आपकी फैमिली है आप सिंगल मदर हैं

आई एम वेरी प्राउड टू स्टेट नैदरलैंड में थी मैं टॉयलेट क्लिनर था मैकडोनल्ड्स में um, I mean, क्नर था जिसने टॉयलेट क्लिनिंग भी थी किचन uh, क्लिनिंग भी थी कार पार क्लिनिंग थी लॉबी क्लिनिंग थी वो मैकडोनल्ड्स में सफाई किया करता था uh, रात के आवर्स होते थे फिर उसके बाद जब यू के शिफ्ट हुआ ये दो हज़ार एक की बात है ठीक है और दो हज़ार एक में फिर uh, वहाँ पर एक फैक्ट्री uh, में मजदूरी शुरू की और वहाँ से ही फिर अल्लाह ने तरक् देना शुरू कर दी आ, फिर वहीं उस जमाने में जवान थे राजपूत अब भी हैं उस ज़माने में थोड़े ज़्यादा थे लड़ झगड़ के इस्तीफ़ा शीफा वहाँ पर नौकरी बीस बीस साल पहले बात कहते थे हम बट फिर वो अप्स एंड डाउन जिंदगी जितने भी हैं वो सारे करके मैं बिज़नेस जो मैंने स्टार्ट किया था फॉर्मल छोटे मोटे करता रहता था ठीक है दो uh, हजार में मैंने फिर फुल टाइम मेरे साथ उस पढ़ता भी था और साथ मैंने चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी शॉर्ट ट्रेनिंग्स होती थी उस में तो आप पाकिस्तान में पता आज कल ट्रेनिंग का क्या हालात चल रहे है कुछ आइडिया है लोकल मार्केट का गाली बन चुकी है मेरे अभी कुछ दिन पहले चले शुक्रिया रहने दे नहीं, <laughs> के बात करें कोई भी है। नहीं उनके साथ एक पॉडकास्ट आने वाली है ना इसलिए अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं कोई कोई इशू नहीं देखिए पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है जो मैंने देखा है वो कराची में देखा है ना कैन मेक एन कि कराची में हमारे क्लाइंट्स नेशनल लेवल के हैं जैसे अलहदुल्ला है पी एस पी सी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है तो आप कह सकते हैं कि शायद ये बाइसड व्यू हो लेकिन ये हमें वहीं पर मिला है ठीक है बाकी पाकिस्तान में इट्स कन्फ्यूज विद मोटिवेशनल स्पीकिंग इट्स कन्फ्यूज विद गूगल की बनी हुई स्लाइड्स एंड and... इसका आजकल एक नया नाम आया ना मंजन सेलर्स मंजन सेलर्स या और कराची का आई अंडरस्टैंड बिल्कुल वहां पे प्रोफेशनलिज्म है मेरे अ, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था एक जगह पे कि मेरे जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो मोटिवेशनल स्पीकिंग इंडस्ट्री से वो एक्स वाई जेड बेसिस पे हैं तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे मोटिव वो भी कहते थे कि देखें देखे, हम ये समझते हैं लेकिन लोगों ने ये टाइटल दिए थे फॉलो माई व्यू इज़ के मेरे मेरा ताल्लुक कुछ न्यूरो साइंस से भी है एज अ स्टूडेंट ठीक है आई नो एंड एवरी पर्सन जिसको न्यूरो साइंस का कुछ आइडिया है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग इंसान के लिए कितनी बुरी चीज़ होती है हुँ. क्योंकि इसके वही इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे न्यूरोलॉजिकल uh, पाथवेज हैं जो इससे स्टिमुलेट होते हैं मैं उस डिटेल में जाकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहूँगा लेकिन जो उसके पैसज हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो कि एक ड्रग एडिक्ट के होते हैं सही इंसान है। को नशे की कैफियत में इंसान जाता है उसको दोबारा से वो चीज़ चाहिए होती है दोबारा नशा चाहिए होता है दोबारा मोटिवेशन स्पीच चाहिए होती है इट्स अ वेरी स्टेट दैट पर्सन तो और कभी उससे कभी फ़ायदा भी नहीं होता किसी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कैसे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मोटिवेशन के जो पकौड़े बेचे जाते हैं ना वो बगैर प्रैक्टिकल के कोई पाकिस्तान का एक सिंगल मोटिवेशनल स्पीकर मुझे ऐसा बता दें कि जो बिजनेसमैन हो जिसने कोई एम्पायर खड़ा किया हो तो वेन मोटिवेशन कम्स फ्रॉम जस्ट बुक्स और स्टेटमेंट्स डेफिनेटली उसका हालात तो फिर यही हो. आपको शवल सेलर्स का स्टेटमेंटलीलर आपके फेमिलियर आप नहीं नहीं मुझे नहीं। शवल सेलिंग एक अब तो मेटाफोर बन गई है दुनिया में पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है ये अमेरिकन वेस्ट में जो आज तो बड़ा आबाद है वहां पे किस जमाने में बैरन लैंड होती थी और लोग वहाँ पे जाते थे आम ये ख्याल पाया जाता कि वहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा है तो आप अगर खोदें तो आपको सोना निकल आएगा तो बड़ी तादाद में लोग जाते थे फिर ऐसा ऐसा टाउन्स बिल्ट होना शुरू हो गए फिर रेलवे की लाइन्स बिछ गई और जब ये ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गई तो वैसे ही वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना शुरू हो गया ठीक है बहरहाल वो जो जाते थे लोग सोना खोदने के लिए अब किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा बिल्कुल लेकिन जो भी जाएगा उसे एक चीज़ ज़रूर चाहिए होगी बिल्कुल सही है तो वहाँ पे बेलचा बेचने वालों की पूरी इंडस्ट्री इस वजह से खड़ी होगी सोना मिले मेटाफोर बन गई है नहीं होता डिफरेंट थिंग मोटिवेशन इंडस्ट्री जो है बिल्कुल तो आपको क्या लगता है कि इसको चेंज फुलना चाहिए होगी जैसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान तो में खत्म हो गई है और ये मैंने प्रडिक्ट किया था विदाउट बोस्टिंग जब ये स्टार्ट हुई थी तो मैंने प्रडिक्ट किया था कि इट इत, इट्स इत, नॉट गोइंग टू वर्क अच्छा लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है इसकी जो बहुत थोड़ी सी है लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट मैं समझता हूँ पिछले चार पाँच साल के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से बहुत सारे हमारे यंग बच्चे जो बिल्कुल आवारा गर्दी में थे एटलीस्ट थोड़ा सा मोबालाइज जरूर हुए उनको थोड़ी सी डायरेक्शन जरूर मिली एटलीस्ट मुझे बाकी डोमेन्स uh, का तो नहीं पता हमारी ई e कॉमर्स की डोमेन्स के अंदर बहुत सारे बच्चे आए और उन्होंने जेनवनली अच्छा पैसा कमाया और कमा रहे हैं विले फिरते थे दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस हजार की नौकरी के लिए दर दर फिरते थे लेकिन इस वक्त अच्छा रोजगार कमा रहे हैं लेकिन साइड इफेक्ट उसका ये हुआ कि वो आप वाली बात की वो नशा बन गया अब वो इतनी ज्यादा हो गई कि नॉन प्रैक्टिकल बातें थी तो नॉन प्रैक्टिकल होने की वजह से उस उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हुई देखिए मेरा इस पर मैं आपकी बात से इतफाक़ करता हूँ और आई थिंक मोटिवेशन का काम एक्चुअली यही है uh, मैं एक, एक बात कहा करता हूँ कि मुझे रक्शे से कोई प्रॉब्लम नहीं है रिस्पेक्ट रक्षा में सफ़र भी करता हूँ रक्शे में आई थिंक सब सब ब्रिलियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकिन मुझे डिसग्रीमेंट उस वक्त होगा जब आप उसे रॉकेट कहना शुरू करेंगे वो दो अलहदा आल चीज़ें हैं मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ हमारी अपनी एक डोमेन है भी भी कि उसकी पूरी मेथोडोलॉजी method, क्या है किस स्टेज पे आप कौन सी चीज इंप्लीमेंट करते हैं so आपके पूरा होता है, उसको फॉलो करते हैं ठीक है मोटिवेशनल स्पीकिंग इज ऑल अबाउट उठो करो, करोड ठीक है जब और अगेन मैं उसको बहसियत एक रक्षा बहुत मैं उसकी इज्जत करता हूँ प्रॉब्लम कहते हैं कि नहीं अब ट्रेनिंग कहा जाए इसको आप रॉकेट कहें इसको आप जहाज कहें और आई कॉन्ट सही बिकॉज रेजेंट तो मैं श्योर डायरेक्शन मिलती है लोगों को एंड ऑल दीज कि कुछ करना चाहिए मेरे ख्याल में अगर मोटिवेशन इंडस्ट्री अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड ख़ुद को सीरियस नहीं लेती है तो आई दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब लेकिन जब वो हो जाती हैं कि ये आप सिखा रहे हैं और ये जिंदगियां चेंज कर रहे हैं <laughs> No, अब मसला ये कि सर सिखाने वाले भी तो अगर दस लोग हैं दस में से नौ लोग तो वो हैं जिनको ख़ुद नहीं पता अब कल मेरे पास एक बच्चा आया आ, मैं नाम नहीं लूँगा बच्चा मुझे कह रहा है कि मुनीर भाई मेरे इस वक्त सिक्सटी परसेंट स्किल सेट हैं अगर मैं हंड्रेड में से रेट करूँ तो मैं सिक्सटी परसेंट पर खड़ा हूँ मुझे फोर्टी परसेंट जो मिसिंग है उसके लिए मुझे कोई पाथवे दें मैंने उसको गाइड करना शुरू कर दिया तो उसके साथ एक और भाई आए हुए थे वो कहते यार ये खुद ट्रेनिंग भी करवाता है मैंने सर पकड़ के बैठ गया मैंने कहा यार सिक्सटी परसेंट आपका खुद का आपके अपने मुंह तो के अल्फाज है और यूर अ ट्रेनर तो जस्ट इमेजिन कि आप क्या डिजास्टर कर रहे हैं के साथ इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं, भी सर सिक्सटी परसेंट पे कैसे पूरी करेंगे वो भी नहीं कर नहीं, पाएगा ना वो तो वो चुप करके उसके पास कोई आंसर नहीं था तो यहाँ पे प्रॉब्लम है देखिए अच्छे ट्रेनर्स बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आए जिन्होंने लोकल मार्केट से नॉलेज पकड़ा फिर उसके बाद इंटरनेशनल में गए उन्होंने अपने स्किल सेट को इंप्रूव किया और डिलीवर किया चाहे वो जैसा तैसा था लेकिन नॉलेज भी कह ले प्रॉपर तो डिलीवर हुआ

देखिए जो लीडरशिप की थीरीज है दुनिया में वो बहुत सी हैं जो ट्राइट थीरी है यू यू नो आप लीडर पैदा होते हैं बोर्न तो विद दिस ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, को समझा जाता है बट आई डोंट थिंक दैट इज द केस सही बिकॉज यू कैन लर्न थिंग्स हाँ ये जरूर है कि आप किस तरह के लीडर बनेंगे वो एक और चीज़ है ओके okay. लेकिन uh, औ, और मैं यही चीज़ हमेशा रिकमेंड करता हूँ इनफैक्ट जो हमारी जो बिजनेस ट्रेनिंग्स होती हैं वो कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होती वो हमेशा आइडेंटिफिकेशन से होती है कि द फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी हैलिटी को आइडेंटिफाई करें बिकॉज इसी पर्सनैलिटी ने आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करना है सही। अगर आप एक इंट्रोवर्ट आदमी हैं या लहर से कि आप एक एक्टिविस्ट आदमी हैं और आप जा रहे हैं ऐसी चीज़ों में जो रिफ्लेक्टर के लिए ज्यादा मौजूम हैं तो आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं होंगे सही यू ऑलवेज बिगिन विद विद सेल्फ तो मेरे लिए uh, ये चीज़ हमेशा इंटरेस्टिंग रही है कि हाउ डू यू बिकम अ बिजनेस पर्सन ठीक है यू कैन लर्न टू बिकम वन दुनिया में बहुत लोग आपको मिलेंगे दे आर प्रेटी शाई बट कैन मेक पीपल डू थिंग्स। दुनिया में आपको बहुत से लोग मिलेंगे कि जो बहुत ज्यादा हावी हो गया आपसे काम नन ऑफ दैट इज राइट और मीट कर रहे हैं सब आपसे खुश हैं आप सब कभी तो भी आपसे खुश नहीं हो सकते जनरली लोग आपसे खुश हैं और आपका एक वैल्यू मार्केट में रियलाइज की जा रही है एट्स गुड इनफ सही uh, जहाँ तक सीखने का ताल्लुक है तो मऊमेंट यू रियलाइज के आप कौन हैं सीखे का हल आपका स्टार्ट हो जाता है सही तो आपने जिस तरह मल्टीपल डिफरेंट डोमेन्स के अंदर यहाँ पे अपने बिजनेस बिल्ड किए और ज़्यादातर पाकिस्तान में भी हैं आप डिफरेंट दुनिया के अदर कंट्रीज में भी हैं मेजर डिफरेंस क्या लगा सर पाकिस्तान में और बाहर में फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुबई में भी जिस कह रहे हैं यूके में भी आपके बिजनेस हैं वहाँ का सेटअप चलाना और लोकल यहाँ का सेटअप चलाना क्या मेजर डिफरेंस लगे आपको सिस्टम बहुत डिफरेंट है ठीक है तीन जगहों के तैयारबाद मैं खासतौर पर मैं जानना चाहूँगा सिस्टम तो ठीक है और हर एक अपने अपने होते हैं मैं खासतौर पर जानना चाहूँगा पूल के हवाले से लोगों का बिहेवियर कैसा है पाकिस्तान में इट्ज लॉट ऑफ पोटेंशल लेकिन अच्छी बात यह है कि वंस यू कनेक्ट विद पीपल तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं ठीक है लोग सिस्टम के अंदर से निकल आते हैं लेकिन वो शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है अपने पॉलिसीज़ को आप चेंज करना होता है Um, यहाँ पे की जो फोकस है वो ज़्यादा जो मैंने रियलाइज़ किया है इनफैक्ट हमने अपनी कई पॉलिसीज भी चेंज की इस वजह से कि वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है बाय एंड लार्ज वो ज़्यादा पर्सन टू पर्सन कनेक्शन पे है सही विच कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल पर एट द सेम टाइम उसके डेट्रीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं तो मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पाकिस्तान में मैं कंसल्टन अपना कंसल्टेशन करता हूँ

क्योंकि वो जो नीचे से ब्राह रास्त ऊपर एक्सेस मिल रहा था उनमें से बहुत से लोग वो हैं जो अपने इमीडियट सीनियर की टांगे खेच रहे थे उसके सीनियर के पास वॉज कि एक ओपन वर्क इन्वायरमेंट हो जहां पे आप जाकेजेशन देखिए बात कर रहा हूँ कि वो कंपनी का रिजल्ट छोड़ा like... <laughs> है लेकिन मेरा बहुत से बरह रास्त हो गया है और उस दिन है उससे ज्यादा करी है सो आई दीज पीपल फॉर दैट इसलिए हम एक बड़े शदीद किस्म के एक ड्रिकल माहौल के अंदर हमारी ग्रोथ होती है तो उसमें यू नो एफ आई माईक मेरा एक इंडिया का बड़ा अच्छा दोस्त साथ काम करते थे उसने मुझे एक दफ़ा एक लतीफ़ा सुनाया यू प्रॉब्ली किसी वीडियो में आपने सुना भी होगा मेरी कि एयर इंडिया एक दफ़ा वो कुछ तीस हज़ार फुट की बुलंदी पर प्रवास कर रहे हैं और अचानक किसी ने देखा कि जहाज़ में केकड़े हैं एक जार है उसके अंदर केकड़े और जार का ढक्कन खुला हुआ है उसका चीख निकल गई दूसरे ने पूछा क्या हुआ उसने उसको बताया दूसरा तीसरा करते करते जहाज़ में सब चीखने लगे वो जो एयर स्टाफ था वो आया उन्होंने वो चीख रहे हो कहने लगी यार पूछने की बात है ये अगर निकल आए तो ये डर की वजह से हमें ज़्यादा काटेंगे इसलिए कि इनके पास भी भागने की जगह नहीं है हमारे पास भी नहीं तेईस थी हज़ार फुट पे हैं तो आगे से आंसने लगे कहते नहीं फिक्र ना करिएगा बाहर नहीं आएँगे जार से क्यों नहीं आएंगे ढक्कन भी नहीं है ऊपर तो कहने लगे इसलिए कि ये इंडिया के केकड़े हैं जब एक ऊपर जाने की कोशिश करें तो बाकी टांगे भी ऐसे। हमारे <laughs> ये केकड़े किसी से ताल्लुक नहीं रखते ये हैं बिल्कुल ऐसा ही है <laughs> तो हम वो तो माहौल इसमें जब परवरिश होती है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है सर दो करेंगे आप आई डोंट थिंक आप किसी एक को ब्लेम करके इससे रूट कॉज तो, तो होती है ना सर कहीं ना कहीं से ट्रिगर तो चीजें करती हैं ऐसा तो नहीं कि मतलब सभी तो उस में आ तो जाते हैं बाद में लेकिन कहीं ना कहीं कही से ये ट्रिगर तो हुई होगी श्योर बिल्कुल हुई हुए देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आइडेंटिटी क्राइसिस है ठीक है इसका ताल्लुक क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से है हमने आइडेंटिटी हमारी थी कि हमने पाकिस्तान बनाना था एक इस्लामी रियासत लेकिन जो लोग उसको लीड कर रहे हैं उन्होंने कभी उसे इस्लामी रियासत नहीं बनने दिया ठीक है मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ सही सही वो चीजें हैं जो कैसकेट होती हैं नीचे और उससे कन्फ्यूजन पैदा होती है और यहाँ से फिर उस लिए हमें मसला समझ आता है तो आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इला वो टॉपिक हमारा और ये ये हुआ क्यों लोगों के साथ है ठीक और मेरा केस ये है कि आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से है कि जैसे पाकिस्तान बनने की वजह और थी जो पाकिस्तान मिला वो और है। वो और है और ठीक सो इज़ अ लोर ऑफ कन्फ्यूजन इन पाकिस्तान में हमारी एक पोलिटिकल पार्टी है जो कि सोशलिस्ट पार्टीज जो सोशलिस्ट या लेफ्ट की पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती है ठीक है सबसे बड़े वडेरे उसी में है हालांकि सोशलिज्म है ही लैंड ओनरशिप के खिलाफ है लेकिन वो दिस इज हाउ इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे इस्लाम नहीं सोचते है पर तो, आम जब लेव, लेवल हैं, तो ये कंफ्यूजन की लेयर्स इतनी ज्यादा हैं कि आम आदमी को बेचारे को नहीं पता होता कि अब हमने इसको फिक्स कैसे करना है ठीक हम ऑलमोस्ट ऐसे जैसे एक क्लासिकल सनातन धर्म जिसे हिंदुज्म कहा जाता है उसमें संस्कृत की एक छोटी सी कहानी है बड़ी सीखने वाली एक आदमी एक घोड़सवार किसी भी तरह से कई है उसके मैं वर्ष एक क्वेश्चन सुना रहा हूं आपको कि किसी भी तरह से वो एक पकी हुई फसल के दरमियान पहुंच गया ठीक है और दरमियान पहुंच के घुड़सवार को अंदाजा हुआ कि मैं तो फसल का नुकसान कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए पनाव द कि वो जिस मजीदी डायरेक्शन से निकले फसल तो और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है ब्रिलियंट पीस टू अंडरस्टैंड हम ऑलमोस्ट वहीं पर हैं कि हम इस मसले को हल करें कि इंडिविजुअल ठीक होंगे तो सिस्टम ठीक होगा अच्छा सिस्टम को ठीक करें तो इंडिविजुअल्स उसमें ठीक होंगे लेकिन जिसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे फसल कुछ ना कुछ कही कहीं ना कहीं टूटेगी सही जो सोलूशन है प्रॉब्लम तो हो गया तो मैं सोल्यूशन की इसलिए बात करता हूं like जरूरी भी है तो पाकिस्तान में डेफिनेशन उन्होंने तो तनकीद कर ले नक्शे तो पूरे पाकिस्तान नक्शे पूरे पाकिस्तान हमारा मसला बड़ा एक और यह ना कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर नक्शे सबके पास है। yeah. बिल्डिंग बनाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है तो वो तैयार नहीं है ठीक है पर यू नो देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जिन्हें मैं आ, कहता हूँ प्यार से कहता हूँ यंग जनरेशन प्रोफेशनल्स या वाई जी पीज़ एकेडमिक टर्म नहीं है वैसे अपनी टीम में जो लोग हैं उनको कहता हूँ कि उनका जो वर्क एक्यूमेन है वो और हैं ठीक है ये जो आ, Gen Z दे आर अमेजिंग पीपल ये अपने काम से काम रखते हैं अगर ओब्वियसली मैं हर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो जनरल जो फ़र्क है उससे बात करूँ कि मेरी अपनी कई टीम्स ऐसी हैं कि जिसमें बड़ी उम्र के लोग तरफ से काम करें और उसी टीम में जो सबसे उम्र में जो सबसे छोटे हैं उनका जो वर्क एथिक है वो टोटली डिफरेंट है इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ये सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं ये इस तरह का कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं कि दे आर डिफरेंट पाकिस्तानीज दे आर मोर मश्योर मेरे ख्याल में सोल्यूशन यही है कि लेट थिंग्स रन एज दे आर सर्जिकल ऑपरेशन से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला प्रोग्रेसिवली सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में नेशन जाएगी ने ने सिस्टम में दाखिल होते रहेंगे प्रोग्रेसिवली चेंज हो जाएगा बहुत कुछ तो चेंज हो भी चुका है तो आई थिंक दैट दैट वुड बी लेकिन इससे प्रॉब्लम आएगी ना सर जो आपने बात की अभी मिसाल दी कि फसल तो खराब हो गई है या हो रही है अब यहाँ पे अगर हमने इसी तरह इसको चलने दिया डोंट यू थिंक सो कि पूरे का पूरा खेत जो है उजड़ जाएगा आई डोंट थिंक सो एक्चुअली क्यों मैं खुद उसकी एग्जाम्पल हूँ ये बात मैंने कई दफ़ा कोर्ट की है लेट मी रिपीट माई सेल्फ मैं जब 20 साल का था 18 साल का था 16 साल का था तो अगर मैं उस 16 साल के कैसर को आज के किसी 16 साल के कैसर से कंपेयर करता हूँ तो 20 साल पुराने या 90s वाले कैसर को वो सवाल भी नहीं पता होते थे कि ये एग्जिस्ट करते हैं जिनके जवाब आज के कैसर के पास है ठीक है एटलीस्ट क्वेश्चन की क्वालिटी बड़ी बेहतर हो गई है।, है मुझे याद है कि हमने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी थी नाइन्टीज़ में जब धमाका किया था एटमी पाबंदियाँ लग गई थी तो कुर्बानियाँ गुल मिला के हमने दी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब वक्त नवा शरीफ़ साहब थे उन्होंने कहा कि चाय का खर्चा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पड़ जाता है जो इम्पोर्ट करते हैं बिल बहुत ज़्यादा है इसका तो चाय पीना छोड़ते हैं हमने छोड़ दी उन्होंने कहा पान वगैरह बिना खाया करें ये भी बड़ा महंगा पड़ता है इम्पोर्ट का पान छोड़ दिया कुरबानी दी पाकिस्तान के लिए चाय छोड़ दी पान छोड़ दिए उन्होंने अपने पाए छोड़े I don't know. <laughs> लेकिन <laughs> मैं कि बात वही है कि हमें से तो कुर्बानी चाहिए। अपने घर में जो है पॉइंट जो, जो है ना कह रहे मैं, आप, मैं, आप मैं, मैं इसलिए ऐसा नहीं समझता कि मैं उस पाकिस्तानी को देखता हूं जो मेरी उम्र का उस जमाने में उस एज का कि उसकी पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन ना होने के बराबर थी ठीक है क्यों नहीं थी इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ जो मसाइल को पूरी लंबी लिस्ट ना तो एक ही मसला होता था

दहशत गर्दी पाकिस्तान में उन्होंने देखी ये रोज़ खबरें सुन के सोते थे कि आज कितनी जगह पेशते हुई हैं बम ब्लास्ट हुआ है इनका आउटपुट क्या है आपकी टीम में होंगे बचे होंगे अरबों आप पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट की मदद के बगैर ये आ, जी जी जी। फाइवर और इस तरह की जितनी जी भी हमारी गवर्नमेंट ने तो बाद में इनको सुपरविजन दी और अच्छा किया आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन इन्होंने खुद ही इनिशिएटिव लिया बिकॉज दे वर बाय द वॉर दैट पाकिस्तान फॉर सर यहीं भी आपने आंसर कर दिया यही चीज मैं कह रहा हूँ हमने इनको बिल्कुल तनहा छोड़ दिया ना तो ये बर्बाद कर देंगे आज से तीन साल पहले वो बारहवें तेरवें नंबर पे थे आज हम तीसरे चौथे नंबर पे बैठे इंटरनेशनली ठीक है लेकिन जितनी तेजी से हम ऊपर आए इन बच्चों को किसी ने समझाया नहीं वो मोटिवेशन तो दे दी मोटिवेशन के पकौड़ों की प्लेट सामने रख दी लेकिन प्रैक्टिकल नहीं थी अब उन्होंने ही फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया अब जितनी तेजी से हम ऊपर आए थे उतनी ही तेजी से हम बैन हो रहे हैं दुनिया के जितने बड़े प्लेटफॉर्म है उन्होंने हमें बैन कर दिया है ठीक है तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि इनको कोई सुपरविजन चाहिए इनको कोई एजुकेशन चाहिए इनको एक सिस्टम में हमारे थोड़ा सा तब्दीली चाहिए अब जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया आ, कोशिश कर रहे हैं अल्लाह करे कामयाब हो जाए इसमें कि वाइज या बाकी जितने बैंक्स हैं उनके साथ निगोसिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं फिर दूसरी एक फेवर देने की बात की जा रही है कि फ्रीलांसर्स की जो इनकम है या इवन जो यूट्यूबर हैं कॉन्टेंट क्रिएटर हैं इनकी इनकम को भी आई के साथ मुंसलिक किया जाए और टैक्स फ्री किया जाए देखिए जबकि छोटे छोटे होंगे तो फिर दो बात से इतफा करते हुए इजाफा करना चाहूंगा तरबियत करने वाले लोग होंगे जिनको इस काम का पता हो सही मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पाकिस्तान में आ, एक जमाना ऐसा कि पाकिस्तानी फुटबॉल फीफा की टॉप हंड्रेड में आ गया बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था जापान से भी थ्री थ्री हमारा रिजल्ट और फिर तीन गोल करके बराबर करना जापान इज़ ए नई लिस्ट देखिए बड़ा अच्छा था लेकिन उसके बाद हमारी ब्यूरोसी और हमारी पॉलिटिक्स के लोग हैं जो पॉलिटिशियन करियर पॉलिटिशियंस हैं उनके हवाले फीफा को किया गया सॉरी मैं चाहूंगा जो पी एफ एफ एक्स को किया गया तो फीफा ने हमारी मेम्बरशिप भी ख़त्म कर दी जो तो फंड आ रहे थे सारे फुरुद्रगर के वो कह रहा था नहीं मैं पाकिस्तान का फुटबॉल का हेड हूँ कहता था नहीं मैं हूँ उनका जा नहीं छोड़ो ऐसे ही ये नहीं होना चाहिए हमारे पास सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हों जिनकी यानी कि वो बहुत आगे लेके चल सकते हैं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे अराउंड वन के किसी एक पोलिटिकल पार्टी की फेवर हो रही है दूसरे की हो रही है वो वर आई डू वॉन्ट टू से जो अहल और काबिल लोग हैं वो किसी भी पार्टी में हैं अगर वो सामने आते हैं तो वो सिस्टम को बड़े दूर लेके जा सकते हैं पाकिस्तान ने आई में इंडिया से बहुत बाद उनकी एंट्री हुई जी लेकिन इतना जल्दी इसलिए रिकवर किया बिकॉज वी हेर पीपल लाइक डॉक्टर रहमान साहब वो अगर आप किसी करियर पोलिटिशियन को दे देते बड़ा गर्क हो जाना था हमारे पास आज भी हमारे जो करंट आई टी मिनिस्टर है हमें क्योंकि बहुत इम्प्रेस पाए तो मैं हमें ज़्यादा जानता नहीं उनके बारे में पर एटलीस्ट ही टॉक्स अबाउट थिंग्स कि जो आईटी से रिलेटेड हैं वो कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही होती वहाँ पे ऐसे ही मेरी हमारे क्लाइंट हैं अपना हमारे जो जो थिंक टैंक है पाकिस्तान का एस उनके साथ हमारे एम वगैरह साइन हुआ कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी इन श कुछ आएँगी

यहाँ क्यों नहीं हुई सर उसकी मेन जो मुझे वजह लगती है कि शायद कहीं ना कहीं आ, उन्होंने ठान ली इस चीज़ की कि चले बहुत हो गया थोड़ा मुल्क को भी डायरेक्शन दे मेरे ख्याल में जिसे पंजाबी में कहते हैं नंगलवाध जाएगी ठीक बताओ बताओ <laughs> है कोई बात नहीं लेकिन देखिए नज़र तो आ रही ना सर आज बहुत बुरे हालात होंगे आपको नहीं लग रहा वहाँ तरक्की हुई है नहीं हुई किस हवाले से आप कह रहे हैं जी तरक्की दुनिया के हर मुल्क में होती है हर साल तो साढ़े कोई क्या हुई है पे आप एक जमाना आपको याद है कि हमारे द... ये जितने हमारे बड़े बड़े बिल बोर्ड होते थे वहाँ पे सर आपको के आपको मेरा करते थे नारे और ये ठीक है? है आज माइक्रो फाइनेंसिंग आई टी एन रिस्पेक्ट पाकिस्तान का देख लें पी शर्मिंदगी होती है सर जब हम मैच देख रहे होते हैं सीमेंट का इश्तेहार आ रहा है किसी खाद वाले का इश्तेहार आ रहा है किसी एक सिंगल आईटी की कंपनी का इश्तेहार नजर आएगा कोई एक पढ़ा लिखा कोई नजर आएगा ऑन द द अदर साइड ऑफ बॉर्डर आप देख ले सारे का सारी उनकी इंडस्ट्री उठा लिया वालों ने एंड हाँ वो इस वजह से, the... से हुआ मेरे ख्याल में कि उस इंडस्ट्री ने फ्लारिश किया वहां पे बिजनेस आए यहाँ पे आने नहीं दिया गया आईटी में देखें हमारे पास कितनी कंपनी है पिछले 20 साल में दो कंपनी है तीन बनी है मैक्सिमम जो थोड़े बड़े लेवल पे जा चुकी है

इंडिया की वन परसेंट लीड इंडिया की फिफ्टी एट परसेंट इकॉनमी को कंट्रोल करती है ठीक आउट ऑफ ऑफ इज जिनके दुनिया में हैं है उनको स्पेशल स्टेड्स भी मिलते हैं इसलिए कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी जो वेस्ट की है, है। चाइना के साथ एक और पावरफुल मुल्क चाहिए वो उनकी मजबूरी भी है कि वो अपने एडवर्सरीज को अपने लोकल इलाकों में बिजी रखते हैं सही है तो चाइना को उन्होंने बिज़ी रखना यहाँ तो इंडिया उसके मुकाबले में खड़ा कर दिया इवन दो अबेद तमाम इंडिया से सुपीरियर है टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा उनकी यानी उनके जो प्रोडक्शन है आई टी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इंडिया का कप, इतनी नहीं है ना सर उनके पास कैपेसिटी इंडिया से बहुत ज्यादा है उनकी जो जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन उनकी आईडी का देखें इंडिया का देखें सारी तस्वीर सामने आ जाती है।, है पर लेकिन वो इंडिया नहीं है इंडिया is, इंडिया इज इज अ बॉलीवुड नाम इज नॉट दे आर जस्ट वेरी मच प्रोफेशनल पीपल क्या यहाँ पे भी आ, इस चीज का भी इनको थोड़ा सा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये शायद लर्न कर लिया हाउ टू मार्केट बेक इंडिया ने वो नहीं कर पाया। I, I think what they have done is के, और अभी मैं वाली बात मैं आना वापस। डन देव रियलाइज के, के हमें हमारी जरूरत है वेस्ट को सो hmm. देर so uh, ये बड़े अफसोस की बात है कि इंडिया के बिग नंबर्स के पीछे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके इनफॉर्मल सेक्टर का है और इनफॉर्मल सेक्टर के जो फिगर्स हैं वो असम्पन की बेस हैं और असम्शन ये है कि फॉर्मुलिगर के वन पॉइंट टू फाइव है। और वो भी जो आखरी सर्वे हुआ था, 2009, 2010 के लगा, मुझे एक से ज्यादा अपनी जी डी पी कैल्कुल मैथड को वो चेंज कर चुके हैं जो पूरी दुनिया में वो मेथड अप्लाई नहीं होता ने अपने लिए स्पेशल बनाया कि हमारे नंबर ज्यादा बड़े लगे छह सौ बिलियन डॉलर के फॉरन रिजर्व भी आगे स्टिल जो मंथली शॉर्ट फॉल है से तीस बिलियन डॉलर कम मंथली जितने चाहिए उससे पैसे कम सही आधी से ज्यादा इंडिया की आबादी अभी है जिसे जिनके पास टॉयलेट का एक्सेस नहीं है वहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, है जो बच्चों की अमवात होती है सिक्सटी नाइन परसेंट वो अमवात होती है मेल न्यूट्रिशन की वजह से फॉर ऑल प्रैक्टिकल वो इसके बच्चे भूखे मरते हैं वहां पर दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अग सिर्फ वेस्ट की मजबूरी है कि उन्होंने चाइना के, के मुकाबले में एक मुल्क खड़ा करना है। इंडिया दैट्स that. पे पैसे की रेल पेल आर इंटेलिजेंट इनफ के नंबर अच्छे आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल वहां पर उन्होंने गुर्बत खत्म की ऐसे uh -huh. कैसे गुर्बत को रीडिफाइन करके लुक एट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो उनके जो इकॉन्वीस कर दिया गया था क्रिकेट वाले ने

हम इसलिए बहुत सी चीजों से इंडिया से हमारा मुकाबला अनफेयर है कि इंडिया एक जमाने में अर्ली नाइनटीज में इकोनॉमिकली स्पीकिंग हमसे बुरी हालत में था बहुत बुरी हालत में था और उसको टफ़ टाइम था ये जो रशियन ब्लॉचों के वो ज़्यादा इंडिया जब बना तो इवन उस वक्त भी वो सोशलिज्म की तरफ गया था बड़े बुरे तेज तरीके से तजरबाना नाकाम हुआ उसके बाद फिर उन्होंने गवर्नमेंट की इतनी हैवीली इन्फ्लुंस हर बिजनेस में कर दिया था जो सोवियत ब्लॉक टूटने के बाद चेंज हुआ लाइसेंस राज उसे कहा करते थे कि आपने कोई एक कंपनी बनानी है तो उसके लिए कोई अस्सी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट चक्कर लगाने पड़ते थे उन्होंने इकानमी को लिबरलाइज़ किया लिबरल इकोमी वहाँ इट इट डिड वर्क फॉर इंडिया लेकिन जो फ्लरिशिंग टाइम था उनका वही टाइम हमारे डिक्लाइन का था ये मैं इतना वर्ड सुन चुका हूँ क्योंकि हमारे लिसनर कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास उस लेवल का नॉलेज नहीं है सेकुलरिज्म है क्या पहले ला, तो इसको explain कर थोड़ा और इसको explain कर uh, जिस आदमी ने यह जात किया, था, उसने भी किया ऐसे, के ये उन लोगों के लिए एक सिस्टम है गवर्नमेंट चलाने का कि जो एलायात को अधियान को ना कबले भरोसा समझते हैं ना काफ़ी समझते हैं ना कबले एतबार समझते हैं ठीक है कि वो खुद इन चीज़ों का फैसला करना चाहते हैं आम तौर पे ये कहा जाता है कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है रिलीजन और स्टेट की सेपरेशन हाँ जी विच इज़ फंडामेंटली रॉन्ग ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इसलिए नहीं हो सकता कि अगरचे ये मतलब ये वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर लोग ये सेपरेशन चाह रहे हैं ठीक है क्योंकि स्टेट के अफेयर्स को रन आप करेंगे डेमोक्रेटली डेमोक्रेटिकली अगर तो लोगों की डेमोक्रेटिक विल रिफ्लेक्ट होगी इस आइडिया में कि हमें गाइडेंस चर्च से नहीं चाहिए सही हम खुद करेंगे ठीक है लेकिन अगर किसी दूसरे मुल्क में लोगों की डेमोक्रेटिक विल ये है कि नहीं हमारा आइन हमारा मजहब मुल्क का कानून शरी होना चाहिए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपकी डेमोक्रेटिक विल नहीं है तो हम भी इंसान हैं तो अगर लोग चाहते ही नहीं है कि मुल्क को मुल्क के निजाम को या रियासत के निजाम को मजहब से जुदा किया जाए नो वन इज़ राइट टू टेल नाइज फ्रीडम ऑफ आपकी अपनी वो एक और चीज है इसलिए ये सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन जो लोगों ने दी हुई है ये वेस्ट में जहां पे लोग ऐसा चाहते हैं लेकिन ये नहीं है। है। इसकी है कि आप जब खुदा से दूर जाते हैं, की जाते हैं तो आप सेकुलर हो जाते हैं एक 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 इनकी समझ नहीं लगती जिस बंदे के बाद नहीं सकता जिस तरह से आप कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहते हैं यू कान गेट लिटिल बिट प्रेगनेंट कोई थोड़ा सा नहीं नहीं, ये, नहीं? बिल्कुल सही है। तो ये इस्लाम में आप थोड़े से नहीं हो सकते। नहीं। ये, ये बात है रसूल जब किसी चीज का फैसला दे देते हैं तो किसी मोमन मर्द औरत के पास हक हाँ नहीं है कि अपनी डिस्क्रेशन आ, उसको वो, वो यूज करें आप नहीं कर सकते बिकॉज यू आर मुस्लिम अब आपने सिस्टम को एक्सेप्ट करना है बाकी ये जो चीज़ें अच्छा सॉरी सिस्टम की आपने बात की सिस्टम जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ का सिस्टम आप पे एप्लीकेबल होता है फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ पाकिस्तान में हैं तो हमारे पे पाकिस्तान का लॉ है बीइंग अ मुस्लिम हमें उसको फॉलो करना है कल को हम चले जाते हैं यूके चले जाते हैं क्योंकि कम्पलीटली डिफरेंट सेटअप है ऑल टुगेदर वहाँ पे डेफिनेटली जो अगेंस्ट इस्लामिक प्रैक्टिस आएगा वो तो हम नहीं फॉलो करेंगे लेकिन जो फॉर एग्जाम्पल सिग्नल पर खड़ा होना yeah. यहाँ हम नहीं होते लेकिन कानून के मुताबिक तो वो गलत है वो भी आपके मजहब के मुताबिक भी गलत है वहां जाके फॉलो हो रहा होता है तो जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहां का भी आप अपने रिलीजन के हिसाब से फॉलो करेंगे देखें कुरान कतई तौर पे हुक्म देता है कि अपने एहदों को पूरा करो जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप अहद करते हैं कि आप वहाँ पे लो अबाइडिंग रहेंगे आपको कंपेल अगर किया जा रहा है नॉन इस्लामिक जिंदगी गुजारने का तो आपने आपको किसी ने मजबूर तो नहीं किया होगा आप छोड़ जाए आप छोड़ दें और कोई करता भी नहीं है नहीं। मैं वहाँ पे मेरे आज भी वेस्ट में मेरे जो वहाँ के वाइट ब्रिटिश जो दोस्त हैं वो एशियन कम्यूनिटी से मेरे वो ज़्यादा हैं जिनके साथ मैंने क्रिकेट खेली जिनके साथ उठा बैठा हमारे आगे पीछे वो उस कल्चर का हिस्सा था वो शराब पीरी होते थे मुझे एक दिन एक लम्हे के लिए भी कभी किसी मेरे वहाँ के वाइट ब्रिटिश दोस्त ने शराब ऑफर नहीं की

लेकिन देखें जहां तक आपने आगे एक बात कही बड़ी जबरदस्त बात है कि पाकिस्तान में भी वो गैर शरीय जब आप इशारा तोड़ जी लोगों ने यह समझ लिया कि इस्लाम का मतलब है आप नमाज पढ़ेंगे आप रोजे रखेंगे ओ भाई ये वो हैं जिससे दीन शुरू होता है दीन ये है कि आप नो एंट्री में गाड़ी ना चलाएं बिल्कुल ऐसे आप इनकनवीनियंस क्रिएट नहीं कर सकते आप इशारा ना तोड़ें ये दीन है क्योंकि आप इशारा तोड़ते हैं तो आप एक ह्यूमन लाइफ को रिस्क पर लगाते हैं ये गैर शर्य बात है इवन सर यहाँ तक है कि मस्जिद के बाहर आप गाड़ी गलत पार्क सिर्फ इसलिए करके जा रहे हैं कि आपको नमाज आपको लेट हो रही है अलाउ नहीं, नहीं अलाव। है ये नहीं अलाउ बिल्कुल नहीं अलाउ है तो, तो दीन समझ लिया कि हमने दाढ़ी रख ली नमाज पढ़ ली दीन हो जाएगा दीन इससे बहुत आगे की चीज़ है ये तो एंट्री पॉइंट एंट्री पॉइंट है तो ये और वैसे भी जो अहदों को पूरा करने वाली बात है मुझे उस दिन हमारे मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं को मेजिंग थिंगी सट मी कि मैं नादरा के दफ्तर गया तो वहां पे मैंने साइन किया वो हलफनामा था कहता मैं तो कांप गया था इशारा तोड़ना तो मैं तो मुसलमान के लिए मैं इशारा नहीं तोड़ सकता मैं नो एंट्री में गाड़ी नहीं लेके जा सकता मैं गलत जगह गाड़ी नहीं पार्क कर सकता इसलिए मैंने तो हल्फ लिया हुआ है अब जो मुसलमान है उसे बताया हलफ की वैल्यू कितनी बिल्कुल जीने मरने का मामला होता है मैं तो कांप गया उनके करके करके इस्लाम ये है सर बिल्कुल तो सर ये लेकिन जब हमारे तक पहुँचाया गया जिस अल्लाह का तारुफ़ हमसे करवाया गया आम लोगों की बात करो मैं बीग अप मैं कोई इस्लामी मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ ना मेरा कोई इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है पाँच पिलर की कोशिश करते हैं पूरे हो जाए बस इतने से मुसलमान हैं जो हम तक अल्लाह पहुँचाया गया बताया गया दिखाया गया जो इस्लाम हम तक पहुँचाया गया इसमें और जो सही रियल मजहब है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसने तो क्या करें सर क्या एक आम शख्स कर इस नजरिए मौलवी कोई जॉब नहीं है ठीक हो गया हमने तो पूरी एक खड़ी कर दी ना उन तो बेचारे पिसे हुए अपना काम कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं आपका जाती अल्लाह ताला से एक ताल्लुक है मुझे पता नहीं आपकी पॉडकास्ट में नाम लेके बात करने की इजाजत कीजिए हमारे बहुत अच्छे आ, रिस्पेक्ट मनोर जुनेद अक्रम साहब हमारे आ, एक पॉडकास्टर हैं जी ताबिश हाशमी साहब जी आ, मेरा उनसे डिसग्रीमेंट है आई थिंक उनका शो बलगर होता है तो ये बातें मैं वो कह रहा हूँ कि जो पब्लिकली मैं मेरी पोजीशन है ठीक हो गया सही है और दोनों एक पॉडकास्ट में इकट्ठे बैठे हुए हैं और ताबिश साहब कह रहे हैं कि देखें ये दो पता नहीं कितने का सन उन्होंने बताया कि ये बता रहे थे ना कि ये चीन तक हासिल करो तो ये हदीस भी जो ठीक नहीं है ये भी जीफ है और वो जो एक बूढ़ी का कहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरा पहन दिया करती थी ये थी गलत है हर अभी तक निकल रही हैं तो ये और तो बस को, कौन को में और चीज़ पता नहीं ठीक होगी गलत होगी एंड आई वाज टू थिंकिंग कि व्हाई इज इट आपको हॉलीवुड में जो तीन साल के बाद फिल्म आने वाली होती है आपको उसके बारे में उसके पता होता है अपने दिन के बारे में आपको नहीं पता इल्जाम आप किस लगा रहे हैं क्यामत के दिन आपसे जब पूछा जाएगा तो आप ये कहेंगे मौलवी ने नहीं, नहीं बताया नो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी आपको पता होना चाहिए ठीक है मुझे पता होना चाहिए ये हमने आउटसोर्स कर दी चीज़ें मौलवी साहब पे ना हम उनको फाइनेंशियली सिक्योर करते हैं सबसे बड़ी बात ही है नौ नौ दस दस हज़ार रुपये पे कोई काम नहीं कर का। वो कर रहे मस्जिद के जो मौलवी होते हैं मोहल्ले के स्त है एक से खाना आ रहे तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये ज़िम्मेदारी हमारी है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि जो दीन हम तक पहुँचाया गया दीन किताबों में मौजूद है कुरान में मौजूद है आप उमा के पास जाएँ मल्टीपल परलमा के पास जाएँ यकीन करें कि यह जो इन्होंने फजा बनाई हुई है कि वो आपको ऐसा कह देते हैं वैसा कह देते हैं वो हर जगह पे हैं आप वाबडा के दफ़्तर में जाएँ वहाँ पर अगर आपसे बदतमीजी से बात करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मजमू तौर पर सारा वापडा ही गलत है थोड़ा सा मैं भी लेकिन, लेकिन, नहीं लेकिन नहीं बात पूरी में कर, और जो जैसे आप डिस करने लगे हैं न, ऐसे सब नहीं कर रहे तो मैं चाहता हूँ कि मैं बात पूरी करूं जी, जी जी प्लीज आई प्रोफ़ाउंडली डिसएग्री विद उनसे जो सख्त जुबान में बात करते हैं क्योंकि मेरा तलुके हैं बहुत से बच्चे अल्लाह तला के मेरे वे जो कर्म किया कि मैं कहते हुए मेरा अंदर कहाँ जाता है कि अल्लाह ने मेरे जैसे बंदे को ये इज़्ज़ बख्शी है कि बहुत से लोग दा इस्लाम में वापस आए हैं मेरे हाथ पे कलवा पढ़ के जब वो वापस आते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ पूछता हूँ कि आखिरकार आपने दीन क्यों छोड़ा था मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोदी साहब केवये के बीच में जिक्र जरूर आता है कि हम उनके पास गए थे आगे से उन्होंने डांट दिया था आगे से उन्होंने कोफर लगाना शुरू कर दिए थे सवाल का जवाब नहीं दिया था बट वी सोल्व इट सिर्फ क्रिटिसाइज करके हम मसले को हल नहीं कर सकते ठीक होगी तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ पाकिस्तान के पाकिस्तान भर के लमा से बात करता हूँ मदारिस में जाता हूँ एंड दे ऑल आर विलिंग टू मूव ऑन के हम भी अपनी इंटलेक्चुअल जो अपग्रेडेशन है वो हम करें देर इज अ वे फॉरवर्ड तो मैं वो क्या कर रहे हैं डिफरेंट थिंग बट आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्व कि हमने अपने रब तक किस तरह से पहुंचे अगर मैं जा सकता हूँ ना बगैर किसी मौलवी साहब के उस दोजफ में जिसमें मैं रहा हूँ जिसमें मेरा रिलीजन मेरे लिए गाली बन गया था सही। मेरे लिए जीना मुश्किल था वहाँ और मैं उस पूरी जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने जिन्होंने जो जो साग से गुजरे जिनके पास ना मस्जिद थी ना मोल मस्जिद मतलब हमारी वहाँ पे जो यूके में मस्जिदें हैं जो आप दहशत गर्दी के बारे में बताएं और आपको हमारे पास कोई इंटरनेशनल लेवल के दाई नहीं हुआ करते थे हमारे पास कुछ नहीं होता था तो अगर दीन पहले से बेहतर हमें समझ आ गया तो आजकल तो मसला है ही नहीं इसी पे मैं बात करना चाहूँगा देखें आपने कहा कि खुद सीखे किताबों से सीखना है आपने सर no, कहाँ से सीख लें ये ये इस चीज़ के मैं अगेन मैं खिलाफ ठीक हो गया ठीक ये ठीक जो है ना कि आप उल्मा को छोड़ दे और खुद सीख लें दे हैव नो आइडिया कि वो कितनी खतरनाक बात कर रहे हैं आप चाह रहे हैं से सीखा जाए ना मैं उसी पे तो सर उसी पे आने लगा वो खुद वाला जो है ना क्योंकि मेरा एक फिक्री ही पाकिस्तान के जो यंग जनरेशन स्कॉलर्स एक दो हैं हमारे भाई हैं बड़ी मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ वो इसी बेस पे है कि ये खुद सीखने वाला आइडिया इट डजन वर्क मैं भी एग्री करता हूँ इससे क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद समझ नहीं आएंगी उनकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए sure. क्योंकि कुरान जाहिर है हमारी जुबान में नहीं लिखा गया डिफरेंट लैंग्वेज में है हमारे तक जो पहुँचता है तो मुख्त तरह से ट्रांसलेशन होकर लेकिन आजकल देखें एक नई भी अभी अब कुछ दिन पहले इंजीनियर साहब के साथ बैठे हुए थे वो भी उन्होंने भी एक नया काम शुरू कर दिया हुआ है कि जी जितने पास में जिन्होंने जो जो चीज़ें लिखी वो सबको दाड़ के नीचे रख के लताड़ी जा रहे हैं कि ताडा मोल भी है भी खराब ताड़ा भी खराब सर हर एक दूसरे को जो इस वक्त तो एक रेस शुरू हुई है ना तू तो ही खराब तू तो ही खराब तू तो ही गलत लिखे उन्हें भी गलत लिखा तो मैं इस चीज़ में बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल बंदा जो भी चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा दीन के बारे में सीख लूँ दीन के अंदर उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया एक तरफ से जाएगा उसको कहा जाएगा जी चालीस दिन चिल्ला लगाओ दूसरी तरफ जाएगा उसको कहा जाएगा नहीं जी दुनिया वाला साइड ठीक है बस जाओ चार फर्श पढ़ के आ जाओ दो फर्श पढ़ो आ जाओ तीसरी तरफ वो जाएगा तो वहां पर उसको बताया जाएगा जी उनके फिरके में जो लिखा वो तो सारा आया ही गलत एक दूसरे पे ब्लेम गेम जो शुरू हो गई है ये मुनाजरा जिसको कहा जाता है सर आप किसी भी YouTube भरा पड़ा है मुनाजरा खोल के देख लीजिए गाली गलोच आम है वहां पे मतलब क्या मंबरे रसूल पे बैठ के गाली तो बड़ी बहुत बड़ी बात हो गई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है क्योंकि रोल मॉडल है ना देखिए सर रोल मॉडल है हम दुनियावी उसके अंदर अपना मैं किसको मानते हैं अपना उस्ताद किसको मानते हैं क्या उसके मुंह से हम गाली सुनना पसंद करते हैं नहीं तो यहाँ तो पे आपको उस्ताद मानना चाहिए की वो मुनाजरे भी नहीं करता सर तो another... लेकिन देखिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर जो मुनाजरा कर रहा है वो किसी ना किसी मकतवा फिक्स से तो है ना ऐसा तो नहीं है वो बिल्कुल इन सारी रेसों से हटके है जिस रेस में वो है उसके जो करता दरता लोग क्यों नहीं उनको लगाम डालते देखें मुनाजरा बुनादी तौर पर बिल्कुल सही स्टूडियो होना चाहिए में होते हैं, हैं हार्वर्ड में भी होते हैं हाउ डू यू कंडक्ट योर डिफरेंट थिंग श्योर अगर किसी आदमी ने खुद को पब्लिकली एक आलम दीन के तौर पर डिक्लेयर किया है तो उसके साथ एक्सपेक्टेशन यही मेंटेन होगी कि अच्छे तरीके से बात करें आई एग्री विद दैट पार्ट लेकिन जिन चीजों पर डिसग्रीमेंट है ये प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब हम डिसीमेंट को ऊपर से देखते हैं डिसग्रीमेंट ही नजर आता है हालांकि सिंपल बात यह है कि आप अपना स्पेशलिज्म देखें आपको वो लोग मिल जाएंगे जो आपके स्पेशलिज्म में आपको गाइड कर सकते हैं ठीक है जब खामोशी से आप अपना काम करना शुरू करेंगे मैं अपना काम करना शुरू करूंगा बस ला हो जाएगा लेट मी गिव एन हजरत उमर रजील बाइबल पढ़ रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात अच्छी नहीं लगी ठीक है लेकिन हजरत जैद उन्होंने वो ज़ुबान भी सीखी हुई थी जिसमें ओरिजिनल बाइबल नाज़िल हुई थी अच्छा वाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीरत में बता रहे हैं कि जो स्पेशलज़म है उसकी कितनी अहमियत है कि अगर उमर बिन खताब इन चीज़ों में लग जाते हैं तो सिस्टम की इम्पलीमेंटेशन का जो उनका असल काम है वो वो नहीं कर पाएंगे ये काम करेंगे जनाब अबू हरारा करेंगे ठीक है अब्दुल्ला बिन मसूद करेंगे अब्दुल्ला बिन अमर करेंगे रिदवान मजमाय सईद ऐसा स्ल्ला वो करेंगे कि ये रवायत की हिफाजत लोग सिस्टम की इंप्मेंटेशन वाले और लोग हैं जनाज़बाकर रजरत उमर रजा तैन जब आप स्पेशलिस्ट एरिया में जाते हैं तो आप इन डिफ्रेंस में नहीं जाया करते फिर पॉलिसी मसला उस वक्त होता है कि आपकी पर्सनैलिटी अगर हजरत मर जैसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाली अगर आप कहीं और चले जाएँ तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे लेकिन अगर आप दीन में तहकीक वाले आदमी हैं आप जाएँ किसी मदरसे में वो बिल्कुल आपसे आलिम लोग वहाँ के कभी भी आपसे नहीं कहेंगे कि नहीं उसके पास नहीं जाना फिर hmm. मैं जा ही उन लोगों के पास रहा हूँ कि जिनका काम ही सिर्फ फ़र्क पैदा करना है लोगों में तक भी, सर लेकिन तो आपसे आप के के आप प्रमोट करते हैं आप खुद ही पॉडकास्ट करते हैं देखते भी हैं अपनी ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में उन प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करते हैं जहाँ पे सारे मसाले के लोग बैठ के आपको फिलासफी ऑफ रिलीजन पढ़ा रहे होते हैं जो बात मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग सुन के कह रहे होंगे ऐसे हैं भी पाकिस्तान में शोर बहुत बड़े बड़े पैमाने पर हैं मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ ऐसे ऐसे उलमा हैं जो सारे जहाँ उलमा को इकट्ठे करके लोगों को वो चीज़ें बता रहे होते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एक बेस्ट इंटेलेक्चुअल चीज़ लेट मी पुट इट दिस वे इनफैक्ट मेरा बहुत अख्तिलाफ़ है डॉक्टर परवेज़ुद बोए साहब से ठीक है बट ही इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन उनकी कोई ऐसी बात जो इससे आप साइंस सीख सकते हैं लोग वो बात इतने सुनने वाले आपको नहीं मिलेंगे जितने मॉर्निंग शो में एक खातून जो दो खात में लड़ाई करा रही है उनको सुनने वाले मिल जाएंगे बिकॉज दैर इज अ टेंडेंसी बिल्कुल मेरे डिसग्रीमेंट है परवेश उदभा साहब से पर इज अ साइंटिस्ट आप उनको सुन के जो कुछ सीख सकते हैं संजीदा बात है लेकिन आप उनकी बात को सीरियस नहीं लेंगे दूसरी जो चीज है वो ज्यादा एक्साइटेबल है सही यही रवैया हमारा आ जाता है जब हम इस्लाम सीखने के लिए आते हैं कि वो लोग जहाँ पे तफरीक ज़्यादा नजर आती है जहाँ पे तकफीर नजर आती है एंड सम हाउ वी थिंक के यही सोल्यूशन है वैसे ईमानदारी की बात है आप भी ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं मेरे भी ई e कॉमर्स के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है क्या पाकिस्तान में क्या ई कॉमर्स में जाता है तो उसको फिर के बाज़ी नजर नहीं आती है यार उसके पास जाऊँ उसके पास जाऊँ लेकिन संजीदा है। लोग हैं दे कट थ्रू एंड दे गेट टू द पॉइंट बिल्कुल ऐसे द सेम थिंग आप संजीदी लेके आए मैं संजीदगी लेके आऊँ वी कैन कट थ्रू दिस रश एंड वी कैन गेट टू आवर पॉइंट नॉर्मली देखा जाता है कि जितने मजहबी लोग हैं या जिनका मजहब की तरफ थोड़ा सा रुझान ज्यादा है hmm. उनके लहजे में तलखी नजर आती है बहुत कॉमन है शो sure. चाहे वो आप रोड पे देख लें चाहे आप आ, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे देख लें उनको इसकी क्या वजह है जबकि दिन तो हमारा सुखाता है हम्बलनेस ठंडे हो जाओ भाई ये जो हो जाओ भाई ये जो आपने जुमला कहा ये मुझे अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं एक बहुत बड़ी मिथ को मैं डिबंक कर सकू प्लीज आई डोंट थिंक दैट इज द केस लेकिन हमारे लिबरल सेकुलर मीडिया ने बहुत कोशिश करके एक तरफ बड़े एलिकुन अच्छी आर्टिकुलेशन वाले एक आम तौर पे कोई खातून या कोई एक साहब बिठाए हुए होते हैं कि जो लिबरल या लेफ्ट की पॉलिसीज को बयान कर रहे होते हैं और जान बूझ के इंजीनियर किया जाता है प्रोग्राम को और दूसरी तरफ बड़े शॉला ब्याह किस्म के एक मौलवी साहब को बिठा दिया जाता है और वो जज्बाती हो गए और जब आप वो चीज़ देखते रहते हैं तो ये तासुर क्रिएट हो जाता है मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में एक भी आलम दिन ऐसा नहीं है

उलमा पे मा पर ऐतराज करना और जो जितना भी उन पर ऐतराज जो जायज़ है आई फुली एग्री विद इट किस अगर हम उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो कभी फिक्स भी नहीं कर सकेंगे लेकिन जिस तबके की तरफ से यह ऐतराज़ आता है वो लिबरल है ठीक वो सेकुलर है मेरा मिजाज आपके सामने है ये मिल के फर्ज समझ के बड़े क्रिएटिव तरीके से मुझे गालियाँ देते हैं और बात गाली को मैं, मैं पढ़ के मैं उनकी स्किल को एडमायर करता हूँ कि चलो जो बुराई है वो साइड में छोड़ो लेकिन आदमी क्रिएटिव है उसने कैसे कैसे जोड़ जोड़े हुए हैं मेरे होलिये के बारे में <laughs> मैं देखें मैं मेरे लिए ये बात इसलिए मानी ज्यादा रखती है कि जब वो तबका जो पाकिस्तान में उलमा को मुसलसल निशाने की जद पर रखता है दीनदार लोगों को मुसलसल निशाने की जद पर रखता है और ये वही तबका है कि जो अच्छे तरीके से आपसे बात नहीं कर सकता आप पे झूठ बोलता है आप पे इल्ज़ाम लगाता है मैं ऐसे पाकि मैं नहीं नाम लेना मुनासिब कि मेरे खिलाफ़ पाकिस्तान में इस तबके ने उस लेवल की कम्पेन हिट की उस लेवल की कि मेरे पे ना सिर्फ दहशत गर्दों का साथ देने के इल्ज़ाम लगाए मुझ पर कत्ल कराने के इल्ज़ाम लगाए लंडन मैट वहाँ तक मेरे केसेस भिजवाए गए कि आदमी ऐसी बातें करता है उन्होंने भी इवेस्टिगेट करके कहा कि क्या कह रहा है उन उनको इतनी शर्म थी कि इसने कौन सी गलत बात कही है कभी इसने आपको गाली दी है कभी इसे कोई धमकी दी है एनी थिंग लाइक तो कभी भी नहीं हुई तो ये जो तबका इल्जाम लगा रहा है ये आपको मैं इसकी तफसील में से जाके बता रहा हूं कि दे हैव ए मोटिवेटेड कि उलमा को आप है सर लेकिन यहाँ पे उलमा भी तो वीक हुए ना देखिए जो सामने बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल अब जिस समय आपको बार बार प्रॉप कर रहा हूं ये यूजली मेरा तरीकाकार नहीं है मैं बड़े रिस्पेक्टफुल वे में जाता हूँ आज भी कोशिश कि बिल्कुल लामोल और रिस्पेक्टफुल वे में रहूँ मेरे सामने यहाँ पे अगर कोई मौलाना बैठे हुए हैं मैं चार छः प्रॉब ऊपर नीचे करूँगा कुछ तनकीदी सवाल कर दूँगा चाहे मैं शगीर तो क्यों नहीं हूँ उनका भड़क जाएंगे एकदम आप पाकिस्तान के किसी सेक्टर को बुला के यही काम करे भड़क जाएंगे देखिए मुझे जो लग रहा है ना यहाँ पे यहाँ प्रॉब्लम मौलवी साहब की या एक आम बंदे की नहीं है मुझे जो इशू लग रहा है ना बहसीयत कौमत कौम तो हम रनी हजूम है बैसीत कौम हम इस वक्त उस लेवल पर आ चुके हैं कि हम दीन को भी पीछे छोड़ दिया दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया हम अलग किसी भी, इस मोड़ को भी डिस्कवर करना पड़ेगा तो मेन मुझे ये लगती है कि ये है, इसका देखें, जब इंसान का पेट भरा होता है ना बड़ी बड़ी हाई इंटल की बातें शो जब वो पेट भूखा होगा ना उसका तो सर उसको अपने पेट का लाले पड़े होंगे ना मैं तो ये बात बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी तबके से अगर आपने बात करनी है तो आप न देखें कि ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं बिकॉज यू यू बिकम पार्ट ऑफ योर 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 एक्सपीरियंसेस यू बिकम नॉट पार्ट इन फैक्ट यू बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस तो पाकिस्तान में जब हर आदमी सरवाइवल मोड में हर वक्त है कि उसने बिल अपना जायज़ बिल वो कम कराने के लिए वो भी किसी को रिश्वत देनी पड़ती है जब धक्कम बिल हर तरफ लगी हुई है जब फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा भर दी गई है हमारी हमारीट जो के सेक्युलर टेंडेंसी से भरी हुई है जहां पे रिलीजन मैटर ही नहीं करता पाकिस्तान के आधे बजट के बराबर वो इंटेलिजेंस लाइफ उससे फंड की जाती है फ्री बिजली प्रोवाइड की जा रही है फ्री गैस प्रोवाइड की जा रही है कौन सी चीज उनको फ्री नहीं मिलती है प्लॉट्स पता नहीं क्या क्या सारा और नीचे जगह जो तबका पिसा हुआ है आप गाली दे रहे होते हैं उस तबके को सजा वो कहते हैं कि आप अच्छे बिहेवियर क्यों नहीं शो कर रहे हैं आपने अगले इंजीनियर साहब की पॉडकास्ट का हवाला दिया मैंने वहाँ भी उनसे ये सवाल पूछा था कि आप ये जो कहते हैं कि ये बड़े हालात लोगों के ऐसे और ये वो वगैरह वगैरह यही मुसलमान हैं जो डी में रहते हैं बैरिया में रहते हैं कैबलरी में रहते हैं क्लिफ्टन में रहते हैं कभी आप लड़े नहीं देखते साथ साथ सुन्नी शिया अरे एहलीस इकट्ठे इकट्ठे पैर होते हैं आलम लगा हुआ होता है इधर अरे हदीस का उनके साथ पड़ोसी है कभी मसला मसला नहीं बनता छोटे शहरों में जाके देखें देहातों में जाके देखें मस्जिद के बाहर लिखा होता है कि फलाना फिर का अंदर आना मना है फलाना काफिर है तो तबलीगी जमात वाला दूसरे उसमें चला जाए तो मतलब मार पटाई शुरू हो जाती है हाँ, और कम कर इसको okay, कम शुरू करना जाना जरूरी है तो अगर आप देखें पाकिस्तान में जो फिर वारियत है ये आपको 2012 हज़ार बारह तेरह के ऑन वर्ड ऑन वर्ड आपको बड़ी इसमें डिक्लाइन नजर आए मेरा ख्याल कि जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं जैसे मैं हूँ जैसे आप हैं हमारा ये ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को लोगों के सामने बार बार रिपीट करें कि ये कम हो रहा है कि लोगों की हौसला अफजाई हो बजाय इसके कि हम एटलीस्ट वन जनरेशन आउट ऑफ रेड रेटेशन अभी भी हम हम रिपीट करते हैं क्योंकि हमारे सेकुलर करते हैं एंड दिस इज दे गेट इट रॉन्ग और ये अंदाजा नहीं होता कि पूरी कौम का साइकोलॉजिकल नुकसान कितना ऐसा ही है सर आजकल जितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चल रही है बहुत सारी चीजें आए हाँ दिन हम नई नई सुनते हैं कभी ए आई आ गई कभी ड्रॉप शिपिंग आ गई कभी रिटेल आर्बिट्राज कभी ऑनलाइन आर्बिट्राज कभी क्रिप्टो आ गई मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई चीज़ हमें मिल रही है क्या आपको लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे हैं चीजों को लेके खास तौर पे हमारा जो मजबी हलका है उस तरह से कॉपअप नहीं कर पा रहा चीजों को फॉर एग्जांपल मैं एक मजबूत स्कॉलर के पास जाता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कि जी क्या ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम है अब क्योंकि उनके पास उस लेवल का नॉलेज नहीं है या उन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया अब ये एक मैं प्रॉब्लम का जिक्र करूँ जो मेरे डोमेन में हुई है अब आगे मौलाना क्या कहेंगे या आलिम आगे क्या कहेंगे बेटा मुझे बताओ इसके बारे में अब ये एक इंसानी फितरत है कि मैं <laughs> ग्रे एरियाज या वाइट एरिया में रहते हुए बताऊंगा उनको ज्यादातर चीज़ें क्योंकि मेरी खुद की भी तो नीयत है ना कहीं ना कहीं मैं पास करवा लाऊ yeah, exactly. <laughs> तो वो पास करवाने के चक्कर में मैं वो ब्लैक एरियाज में जाऊंगा ही नहीं इवन right. मैं ग्रे भी सिर्फ उतने की बताऊंगा जहां पे मुझे लग रहा है आलिम साहब से मैं स्पेस ले लूंगा उसकी बेस पे वो फतवा मिल जाता है अक्सर ये मैं पर्टिकुलरली बात करूँ ड्रॉप शिपिंग के हवाले से या मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो के हवाले से बहुत सारे मकतबा फिक्के लोगों ने इसको जायज़ करार दिया और बहुत सारे उन्होंने बोला कि भाई नहीं और कुछ ने ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमारे और हमारे जो इस है, है, उन्होंने बट तो yeah. वो कहीं कही ना कहीं दुनियावी नॉलेज में पीछे है खासतौर तौर पर इंग्लिश को लेके बहुत ही हाथ तंग होता है yeah. तो जिसकी वजह से वो एक तो इंटरनेशनल जो एडवांसमेंट आ रही है उसको नहीं देख पाते और डिफेंड भी नहीं कर पाते नोट uh, के इन लोगों का काम यह नहीं है कि ये दीन और दुनिया में डिस्टिंगशन करें सही है एक्चुअल मुफ्ती का काम यही होता है कि दुनियावी में आपने दीन अप्लाई कैसे करना है लेकिन आपने जो तीसरी बात कही है आई थिंक दस्ट मॉसबल और ये एक नेचुरल बात है समझ में आने वाली बात है कि चूंकि ये चीज़ें पाकिस्तान में औरिजिनेट नहीं हुई जी तो हमें कैसा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट गुड न्यूज़ के बहुत से लोग हैं जो इसमें बड़ी एक्सपर्ट राय रखते हैं आई थिंक मुबशर रहमानी साहब ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब सही um, जो कि दीन का इलम भी रखते हैं और क्रिप्टो करेंसी और ये जो डिजिटल ब्लॉक एंड जे एंड संदी सिंग बहुत इज़ अमेजिंग जॉब खुद आई टी की फील्ड से हैं तो इन उन तरह के लोग पाकिस्तान में डेवलप हो रहे हैं सो so, शोर कैचअप करने में थोड़ा प्रॉब्लम दैन जो पाकिस्तान में आई टी सेल्फ आई थी तो उस जमाने में हमारे जो जो फर्स्ट जनरेशन आई टी प्रोफेशनल्स थे फ्रैंकली यूनिवर्सिटीज में आज भी वही कुछ पढ़ा रहे हैं जो उन्होंने <laughs> पढ़ाया था विच इट अ प्रॉब्लम तो उनके लिए भी ये बड़ी चीज़ें थी वो मुश्किल थी अच्छा वो तो पुराने जमाने की बात है ना आपद हाजिर की एग्जाम्पल आप ले, <laughs> ले। कि अभी हमारे पंजाब में आ, दो नई चीजें आ रही हैं आ, एक तो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन स्कूलों में पढ़ाया जाएगा विच आई थिंकलेंट न्यूज और दूसरे कोडिंग विच इज अ वेरी बैड न्यूज और मेरे इस पेडिंग क्यों बैड न्यूज इसलिए कि पूरी दुनिया नो कोड और लो कोड पे शिफ्ट हो रही है जो सिमुलेशन हैं आईटी कोडर्स की डिक्लाइन की वो ये है कि फ्रॉम एवरी मिलियन नाइन हंड्रेड थाउजेंड लोग जो है अपनी जॉब्स लूज करेंगे यानी कि दस परसेंट लोग रहेंगे एआई की वजह से दिस पैराडाइम इज गोइंग तो टू चेंज तो हमें कोडिंग वो सिखानी चाहिए थी जो कि ए से रेलिवेंट है जैसे पाइथन एंड एंड जो आगे थे जो टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी पी और इस तरह की चीज़ें आई मीन दे आर नहीं तो आप ये चाह रहे हैं कि जो हमारी है पचास साल दुनिया से पीछे की वो हम तोड़ दें मेरी तो यही खाश है <laughs> तो लेकिन ये बारी 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 जो ऊपर बैठा कैसे में वो जरूर करना इससे पहले कहें कि नहीं देखो कैसे आ रहे हैं तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि इट्स नेचुरल कि जब कोई चीज आपकी इंडिजनसली ओरिजिनेट नहीं होती है वो बाहर से आती है तो आपको कैचअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हमारे उलमा भी वो भी कर रहे हैं तो आई थिंक ये अच्छी बात है कि वो कहें कि भाई हमें नहीं पता और क्योंकि अब मैं समझता हूँ किसपर्ट्स है ना उनके साथ इनकी महफिले होनी चाहिए ठीक है तभी तो ले सकेंगे ना यही ये प्रॉब्लम मैं जो देख रहा हूँ ना ये दोनों तरफ है हमारी दीनी हल्के में भी है और हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में भी है अब गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है जो एक ऊपर मिनिस्टर बैठा हुआ है भाई साहब वो बस अपने नॉलेज के हिसाब से जो है वो फैसला कर देते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है यही हमारा दीनी हल्के में भी देखें जो उसके सब्जेक्ट मैट्रिक एक्सपर्ट हैं अगर आप उनसे राय ले लें उनके साथ आपनिष्ठे रखे तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर और ज्यादा जल्दी हम आगे पहुंच पाएंगे आई एम एक्चुअली विलिंग टू गो अ स्टेप फर्दर मेरे ख्याल में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं स्टेट में उनकी उनका स्टेक होना चाहिए उससे ये होगा कि हर इवन अल्वेदीन भी वो भी तो गलत कर सकते हैं ये बिल्कुल लेकिन अगर वो एक रियासती ادارा नहीं है तो उस फिर तो इंडिपेंडेंटली कोई भी कह सकता है कोई बात कैसे भी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं तो मेरे ख़्याल में ये थोड़ा सा रिस्की काम इस हवाले से हो जाता है मैं तो इस नज़रिए का गायर हूँ कि पाकिस्तान में कोई इंडिपेंडेंट मस्जिद नहीं होनी चाहिए फिर किसी बद, किसी न किसी मदरसे के साथ उसका इलाहाक़ होना चाहिए और मदरसों का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो ओल्ड वे स्टेट के ऑनरशिप में हो हमारे जो मौलवी हज़रा हैं ये मस्जिद कमेटियों से इंडिपेंडेंट होने चाहिए ये ग्रेडिड ऑफिसर होने चाहिए तेरह चौदह पंद्रह ग्रेड जितना भी है इनकी सरकारी तनखा होनी चाहिए पेंशनस होनी चाहिए मुराद होनी चाहिए कि कुल के दिन का काम करें ऐसे ही जो हमारे नेशनल पॉलिसी पे चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं इस्लामिकली वो एक स्टेक का हिस्सा हूँ और उसका तजर्बा पाकिस्तान में मौजूद भी है जैसे वफाकी शरी अदालत है या इस्लामी नजरियाती काउंसिल है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन इदारों का पहले से भी इनकलूजन तो है लेकिन जो है, ये जो नए चैलेंजेस हैं ये आयर तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी खर इसको एड्रेस कर सकती है अगर नहीं कर सकती तो फिर भी हमारे का एक सेप्रेट पैनल जो कि इन मामला में एक्सपर्ट हो आई टी रिले रिलेटेड हों डिजिटल और जो मामला हैं उनमें हों तो आई थिंक अगर वो किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है इसलिए कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाए सर लेकिन जहाँ पे हुआ है उनको तो ये मानते ही नहीं है अरब पूरे में यही है ना अरब पूरे के अंदर आप सऊदी चले जाए दुबई चले जाए कहीं पे भी अरब में चले जाए तो वहाँ ये जो आप बात कर रहे हैं एक्जैक्टली ऐसे ही है हर चीज़ उनके अंडर काउंसिल आती है मस्जिदें भी इवन इवन इमाम मस्जिद जो है मौसम है सारे उनका लाइफ भी आप देख लें

कि किसी देखें जब मस्जिद को कोई प्राइवेट डोनर रन करेगा तो उसकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की होगा होगा एग्जैक्टली उसका मसला अगर ये सारी की सारी चीजें अगर ये रियाती इधारों में कन्वर्ट कर दी जाए तो फिर स्टेट इस चीज़ को बेहतर गवर्न कर सकती है बिल्कुल और ये मेरे ख्याल में ये आ, स्टेक होना भी स्टेट का ही चाहिए सर क्या आज के दौर के अंदर कराम से होते हैं शोक क्यों नहीं होते कुछ बताइए इसके बारे में किस तरह से है हम 2023 में बदतरीन हालात के मुताबिक के के बावजूद सरवाइव भी कर रहे हैं पाकिस्तान में लोग हंस रहे हैं लतीफ़े भी जारी हैं गपशप भी है रात को तीन तीन बजे तक जाएगी प्यालियों पे लोग हंस खेल भी रहे हैं खाबे के चल रहे खाबे ये मुआजा नहीं है ये अच्छा यहीं पर फिर मैं अगला सवाल कर लेता हूँ कैसे पता चलेगा कि सर हमारे ऊपर आसाइश है या असाब है इसके बारे में भी बड़ा आम बोला जाता है ना कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये अजाब है तो इस वक्त हम किस हालत में हैं? देखिए हम तो मेरे ख़्याल में बहसीतें मजमू देखे तो अजाब वाली बात ज़्यादा बेहतर लगती है आजमाइश से क्योंकि आजमाइश तो होती है उन लोगों की कि जो राह हक पे खड़े हैं और बदतरीन हालात में वो फिर भी राह हक़ खड़े हुए हैं उन पे हालात बुरे हैं आजाब तो लोगों के अमाल की वजह से आता है एंड इट्स साइंटिफिकली स्पीकिंग वेरी मच अंडरस्टैंडबल बिल्कुल आप करप्शन करेंगे तो आप पे अजाब आ जाएगा सही मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में दरख्त लगाने की बहुत जरूरत है आप जंगल या दरख्त ना लगाएं और साथ जंगल काटना शुरू कर दें तो एक मॉरल करप्शन तो कर रहे हैं जी. तो उसकी फिर एक नेचुरल रिएक्शन आएगा आजाब की सूरत जैसे बिहार और मुझे फॉग वगैरह जो स्मोक वगैरह जो आती होती है आने वाली है बस आने वाली दो हफ्ते रह गए तीन <laughs> अल्लाह माफ करिए मुझे तो उसका से भी बड़ा बुरा होता है तो अब ये जब मामला होगा तो जाहिर सी बात है हमने कुछ ना कुछ करप्शन इस लेवल की की है हम ये समझते हैं कि अजाब सारा वो होता है कि जो मौजजे की सूरत में आता है अगरचे वो अपनी जगह पे है जैसे زلزلے ہیں بارشیں ہیں अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब जलजला आएगा तो वो अजा के तौर पर आएगा जलजला नेचुरल कॉजि भी हैं लेकिन उसकी एक शक्ल है कि वो वह अजाब के तौर पर भी आ जाता है जिसके पीछे जो मैकेजम है वो सारे का सारा फिजिकली होगा लेकिन वो आपके किसी काम की वजह से आया दॉसिबिली लेकिन आम तौर पर जो अजाब आता है वह हमारे इन्हीं कामों की वजह से आता है यानी हम पाकिस्तान में अब मिसाल के तौर पर एक जल्जले की पट्टी है कहीं पर अब वहाँ पर ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स बना दें जो कि अर्थ को एक प्रूफ ना हो तो आपे आप ही अजाब आएगा बिकॉज आप अकल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह का जो हम पे जो, जो आज कल जो आया हुआ है इसको तो हम अजाब ही कहेंगे बिकॉज वी हैव करप्ट सिस्टम इन अ वे के उसका जो नतीजा है वो उसी का ही एक प्रोड्यूस है तो, सर, तो वो आपने, आपने ये बड़ी प्यारी बात की कि हम, हम करप्शन जो है ना बड़ी एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग सी है या इसको मिथ कहेंगे हमारे ये समझा जाता है कि सिर्फ पैसे की हेर फेरी जो है ना तो हालांकि लेकिन उसी को ही गिना ही करप्शन जाता है फाइनेंशियल क्या है मॉरल क्या, क्या है उसको तो गिने नहीं जाता ना मैं एक दफा एक साहब के साथ बैठा था वो कहते यार देखो मैं अगर मेरे साइन करने से अगर किसी का काम हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ मेरी पोजिशन पे जस्टिफाइड मैं पैसे का हेयरफेयर नहीं करता मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं पैसे का हेरफेयर नहीं करता एंड बाय द वे मैं एक नी हल्के में बैठा हुआ था उस वक्त वहां पे ये बात हो रही थी तो ये बाईसवें ग्रेड का ऑफिसर बात कर रहा है यही जो आपने बात से 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 था था हाँ। और थी को तो ही नहीं जाता वो पैसे के हेर नहीं करते रिश्वत नहीं ले रहा लेकिन किसी का नाजायज काम कर देता हूँ बगैर पैसे लिए पैसे ले लेते तो फिर वो कहते हैं कि गलत हो जाता बट उन्होंने गलत काम के लिए भी साइन करके उसको अप्रूव कर दिया तो

मौजूद बिल्कुल ऐसे ही है अभी एक आजकल नई जो रेस चली हुई है हमारे यहाँ के रेस क्या इसको मैं मजबूरी भी बोलूँगा बल्कि आप इसमें बेहतर रोशनी डाल सकते हैं किसी महकमे में चले ख़ास तौर पर गवर्नमेंट बैंकों की बात करूंगा आपके सामने फाइल पड़ी है एंड यू कैन ईजिली रीड आउट योर नेम यू कैन नॉट टच द फाइल जब तक आप उसको पहिए नहीं लगाएंगे <laughs> सर इस उसमें जब मजबूर किया जा रहा है आप विलिंग नहीं है अंदर से आप हलाल करना चाह रहे हो और आप जनवरली बैड फील कर रहे हो उसके लिए लेकिन आपका सिस्टम आपका मुआरा आपके हालात आपका वो काम नहीं होने दिए जा रहे जब तक आप उस पर कुछ ना कुछ पहिये नहीं लगाएंगे तो इसमें क्या करें क्या गुंजाइश निकलती है कोई श्योर लेकिन ये बात मैं पहले कहूंगा एज ए डिस्कलेमर कि ये जो इस मामला के जो मुफ्ती हैं उनसे आप गाइड लें मैं आपको एज ए स्टूडेंट जो जो केस रखने लगा सही कि इस्लाम में डबल वैमी नहीं

उसका बिल आना चाहिए दस हजार रुपये वो आगे पचास हजार रुपए वो वाबड़ा में जाता है वो आदमी कहता है पांच हजार दो में कम कर दूंगा सही अब इसके बाद पचास हजार नहीं है अगर ये रिश्वत दे रहा है तो ये सिस्टम का बन रहा है ठीक है इस पर वो रूलिंग अप्लाई नहीं होगी ओके क्योंकि वो होगी तो फिर डबल वैमी हो जाएगी फिर एक जुर्म की दो सजाएं हो गई लेकिन सर ब्रॉडर टर्म में अगर देखा जाए इतनी डिटेल में तो नहीं जाएगा ना एक आम बंदा जिसकी वही बात करूंगा जिसका पेट ही खाली है जी उसको कहां इतनी सोच आनी है वो तो कहेगा अच्छा जी ठीक है मुझे फतवा मिला हुआ है

इसका हिसाब आप बार-बार लोगों को इलेक्ट किए जा रहे हैं उनको पावर में फिर आप लेके आ रहे हैं जिनकी वजह से आपको यह अल्लाह तौर पर सर, कैसे अब मैं कि, किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेता नहीं नहीं। आपकी कुर्सी है कुर्सी के पीछे लिखा हुआ है बड़े बड़े बैनर लगा हुआ है बहुत बड़ा

जो लोग लगते हैं ये सिफारिश पे लगते हैं ये फिलहाल सियासतदान की वजह से आते हैं एंड सब वोट पर किसी एक पोलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा और आपको पता है कि सियासतदानों ने ही सिस्टम को चेंज करना है और जिनको आप बार बार आज़मा रहे हैं इन्होंने चेंज भी करके नहीं देना है लेकिन उन्हीं लोगों की वजह से आप लड़ाई भी कर रहे हैं झगड़े भी कर रहे हैं किसी की बहन बेटी को गाली दे भी रहे हैं अपनी बहन बेटी को गाली दिलवा भी रहे हैं और फिर वोट भी दे रहे हैं तो फिर आप कहें कि नहीं मैं विक्टम हूँ ये अल्ला ने इस चीज का हिसाब लेना है कि लोगों को उनकी कैपेसिटी के मुताबिक ना प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल के अंदर फंसा हुआ है उस पर हम वो रूलिंग अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन अब उसको चेंज करने की को कोशिश ना करें अपने हिस्से का काम करे ही ना वो दैट्स मैटर तो आप कह रहे हैं कि मतलब आपको अपने हिस्से की जिद्दोजहद करनी पड़ेगी होल पॉइंट सर अभी बीच इस तरह हम हालात देख रहे हैं ओवरऑल अगर आप देखें शदीद हम माली बुरान हर तरह से हम लोग इस वक्त जो है ना मतलब लग रहा है कि कोई किसी की सुपरविज़न चाहिए मैं इसको लिंक करूँगा नबोत का जो नाकल सल वल्लम के ऊपर इसको मुकम्मल कर दिया गया क्या हमें कोई इस तरह के शवाद मिलते हैं कि इसको क्यों वहाँ पर ख़त्म किया गया आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया क्यों आगे फिर तबीन और आगे सारा वो सिलसिला चलाया गया किस चीज़ को नबूत का जो है नबी पाक सल्लल्लाहु पे इसको मुकम्मल कर दिया गया उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा ये कह दिया गया इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया जो क़यामत तक के जितने भी मामला हैं आपकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाने के लिए जितना कुछ आपको चाहिए ठीक है वो अब हमारे पास मौजूद है पास हो गया था आप ये कह रहे हैं कि is, इस वजह से बिल्कुल सही है कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आज नहीं है जिसके लिए आप कह सके कि इस्लाम यहाँ पे इनिक्ट है ठीक है देर इज़ एनी इफ़ देर इज़ समथिंग और आपने किसी एक सिस्टम से आपने उसको मुतासर होकर आपने समझ दिया है तो आपको उसका एक केस प्रोड्यूस करना होगा केस बिल्ड करना यू हैव टू आर्ग्यू फॉर इट बिल्कुल सही है लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम बनाया है अल्लाह ताला ने लोगों की मुख्तिस लेवल का जो इंटेलेक्ट है उस हवाले से उनमें हम बिया भेजे हैं और उसके बाद जाके अल्लाह त जो का है वो खत्म कर दिया कि अब जो आपके पास, है, ये क्या आपके पास रहेगी कोई ऐसा नहीं है जिसपे आप कहेंट प्योर नग्जेटलीफ इज सवाल है ये, ये कि नहीं रखता उसके तो आजकल ये जो हम पीर बाबे देख रहे हैं और ये सारा जो एक मतलब सिलसिला है वो भी लोग उसको मानते हो बड़ा रिलीजियसली मानते हैं उस चीज को भी इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा तज़ा नज़र आता है जिस तरह हम बात कर रहे हैं करें मकतबा फे इसी तरह इस हल्के में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमें तजाद नज़र आता है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगेंस्ट आपके जो है इस्लामिक लॉज या अगेंस्ट इस्लामिक प्रैक्टिस हो रही हैं वो नज़र आ रहा है आपको बाजारों पर चले जाएँ वहाँ पर ढोल धमाके भी हो रहे हैं ग्वालियं भी हो रही हैं ठीक है फिर ये दूसरी साइड पे आ जाए तो नातानी वाला जो है आजकल देख ले नातों को किस तरफ लेके क्या रंग दे दिया गया है अलग इतना खूबसूरत कलाम होता है लेकिन उसके पीछे जो म्यूजिक चल रहा है या जो उसके पीछे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है उस चीज़ को देखें तो इसको आप क्या देखते हैं मेरे वाल साहब एक बात कहते हैं फ्रॉम दी कल्चरल साइकोलॉजी के जो लोग दीन का काम जो उनकी जिम्मेदारी होती है जैसे नमाज है और अखलाकियात है और बाकी चीजें हैं जो ये नहीं करते वो ना करने से उनके अंदर एक गैप पैदा होता है ठीक है जिस गैप को वो फिल फिर इन हरकतों की वजह से करते हैं हालांकि अगर वो अपनी बेसिक जिम्मेदारी पूरी कर तो यू तो डू एनी ऑफ तो दिस बिल्कुल सही बट द फैक्ट कि आपने वो गैप खुद क्रिएट किया होता है बाई नॉट डूइंग योर जॉब तो फिर इंसान इन चीजों में जाता है अपनी तशफी करने के लिए आई थिंक तो के so, okay, इसको ने कर दिया दिया है 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 और थोड़ा सा इसके साथ जोड़ भी किसी भी चीज़ 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 में आप आएंगे, तो वो चीज़ अपनी असल छोड़ देती देखें दुनिया में इस वक्त बेस्ट थिंग्स जो हम इंसानों की क्रिएटेड है वो स्पोर्ट्स है mm -hmm. कि जिसमें आप कंपटीशन में जाते हैं अपने आप को चैलेंज करते हैं यू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ

लेकिन है, सकता, एलिमेंट सकता है, बिल्कुल. तो रिलीजन हो स्पोर्ट्स हो कुछ भी हो जब आप उसको कमर्शलाइज कर देते हैं उसकी इंडस्ट्री बना देते हैं एक, एक करप्शन तो उसमें आएगी इस करप्शन को रोकते क्यों नहीं है अब जिस तरह देखे गैब के इल्म के बारे में बोल दिया गया कि गो लेकिन ये जितने भी आप चले जाए किसी भी पीर बाबा के बाजार पे चले जाए हयात है या

और या ये इतने ही अरसे हाथ ऊपर करके बैठे हुए हैं। इतने इतने दिन दिन खाना नहीं खाया। खाने चावल के दाने पे जिंदा। exactly. no और ना मैं कुछ सीख, सक, सीख सकता हूँ बट इट इट वर्कस तो वो हमारे जब हम मुसलमान हुए तो बहुत सी कल्चरल चीज़ें इस तरह से हम ले के आए मैं रूहानियत का मैं बहुत कायल हूँ ठीक है बहुत ज़्यादा लेकिन रूहानियत की एक आई कैन एक्सप्लेन दिस वे कि मैं समझता हूँ कि कैंसर का इलाज हो सकता है सही लेकिन एक आदमी मेरे पास आता है और कहता है कि मेरे पास एक तोता है तुम तीस दिन उसको खाना खिलाओ और तुम्हारे पेट पे आके बैठेगा और तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा मैं कैंसर के इलाज से मतलब हूँ तो हमें जो कुछ नज़र आ रहा है आजकल ऑफ इट इज रॉन्ग इसका रूहानियत की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यह बन गया है अब इसको रोकेंगे कैसे इस दो ही तरीके हैं एक तो है कि एक रूथलेस किस्म की जबर के जरिए इस सारे सिस्टम को आप जाम कर दें, ठीक है मैं उसके हक हाँ में नहीं दूसरी है लोगों की इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम आज से पचास साल पहले हमारी दरगाहों के लोगों की जो उनकी हदेशन थी वो आज उतनी नहीं, नहीं है बिल्कुल अगले पचास साल में से कम हो जाएगी उससे अगले पचास साल में उससे कम हो जाएगी नहीं होगी तो फिर भी लोगों का कहा कि कुरान भी कहता है कि लोगों में एक जमात ऐसी रहनी चाहिए जो लोगों को नसीहत करती रहे तो वो नसीहत करने वाले अपना काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये इट कोई इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है जैसे कोई हमारी तरक्की रुक गई है या हमारा कुछ ना, हमारी कोई ग्रोथ रुक गई है प्रैक्टिस हाँ, है छोटा छोटा तबका है लेकिन उनका बिलीव सिस्टम इतना है कि वो हर चीज बजाय इसके

कबर के आज़ाद से तो बड़े बड़े उल्मा भी डरते बड़े-बड़े नबियों को भी डराया गया, को भी गया। तो आम बंदे को तो डरना ही चाहिए तो इससे यह कैसे पता चलेगा की बात नहीं कर रहा कबर में जाने की जाने की मतलब तैयारियों के लिए रोते हैं ना यही है ना कि मेरी तैयारी में आगे अल्लाह ताला किसके साथ जो आदमी बहुत डर रहा है उसके साथ हाउ डू यू नो कि इस वक्त आप ठीक रस्ते पे हैं या नहीं दुनिया में जानना हो तो इट्स दैट इमेजिनेशन क्या मैंने जाना है एंड लुक एट योर ग्रेव इन योर इमेजिनेशन ये वो है जिसमें आप मुझे ये उतारेंगे हाउ डू यू फील अबाउट इट इनियत पता तो ये पत चीज बड़ी ठीक है जहाँ तक दुनिया के मामला हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सिंपल किया हुआ है कि आपके फ़्राइज पूरे हैं हक नहीं मार रहे किसी का जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला से रबे में हैं आपके पास एक स्टूडेंट आता है आप उसको अच्छा गाइड करते हैं इसलिए करते हैं कि आप पे एक मजहबी जिम्मेदारी है कि आप अच्छा काम करें उसको अच्छे तरीके से पढ़ाएं उसका पैसा लेके ये ना करें कि उसको बस टाल में कर दें ठीक है इफ़ यू डूइंग दीज थिंग्स इस्लाम इतना ही सिंपल है इस्लाम में ये कोई पहाड़ पे चढ़ के चला काट के आप ये करें और या इस्लाम तो ये वही बात होगी जो शुरू में हमने की कि मतलब पाँच पिलर्स के ऊपर ही अगर इंसान जो है ना मजबूत हो के काम कर ले

जो जेन फीलिंग्स हैं सोसाइटी को लेके प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे यहाँ उनको डिस्कस किया एंड आई होप कि आपने भी को एंजॉय किया थैंक यू वेरी मच आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी आ, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की कि ऐसे सवाल पूछे जाएँ जो कि जेनवनली एक्सिफ्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में आ, मुझे कैसा भी नहीं कहा था कि जितनी भी आप तनकीद करना चाहें करें लेकिन क्योंकि वो मेरे मिजाज के अगेंस्ट है मैंने फिर भी आज काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स इनसे किए आ, अपनी हद में रहते हुए क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये टेबल का सेंटर मेरी हदूद है मुझे उस साइड को क्रॉस नहीं करना और वो मैंने कोशिश की पूरी इस पॉडकास्ट को देखिएगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम एपिसोड टाइम भी आप तक पहुँचें अपना ख्याल रखिएगा अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा टेल दैन अल्लाफ